यस सो गाइस आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए प्लेटफॉर्म। दोस्तों हम जो है अभी सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं, राइट। सो ये हमारी दोस्तों एसएम कंपाइलर बुक है जिससे जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के। तो इसमें 215 प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 350 के आसपास एमसीक्यूज है एंड 15 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी इस बुक के अंदर कवर्ड है। आईसीए के न्यूज़ जो न्यूज स्टडी मटेरियल है न्यूज सिलेबस का, देन 19 मॉक टेस्ट पेपर्स, 13 रिविजन टेस्ट पेपर्स एंड 5 पास्ट ईयर पेपर्स, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है, राइट। इसके हिसाब से हमने चैप्टर वाइज जो है इसमें आपको क्वेश्चंस करके दिए हैं। और ये जो पुराने मॉक टेस्ट पेपर्स है उसमें भी हमारे नए सिलेबस के हिसाब से जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो इसमें डलवाए हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारे जो भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, हमारे चाहे फास्ट ट्रैक बैच में किया हो चाहे हमारे रेगुलर बैच में किया हो, उनको ये जो बुक है हमारी वो उनको हमारे बैच में ही प्रोवाइड की जाती है, राइट। एंड इसके साथ साथ जो है आप जो है इस बुक को अलग से भी ले सकते हैं mbsa.in, हमारे इस वेबसाइट से mbsa.in, तो यहाँ पे भी आपको सी ए इंटरमीडिएट बुक्स में ये जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। ओके सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन से, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, इस बुक में सिर्फ क्वेश्चन है। और आज हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। सो हमने एसएम का चैप्टर 1 कवर कर लिया था, उसका मैंने बहुत ज़बरदस्त रिविजन वीडियो डलवा दिया था, यूट्यूब पे भी डलवा था रिविजन वीडियो। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने एसएम चैप्टर 1 का रिविजन कर लिया है, मेरा वो वीडियो भी देख लिया है और उसके हिसाब से फिर अभी जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अच्छा एक और चीज़, हम हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसमें हमारे सारे क्लासेस के अपडेट्स आते रहते हैं, है ना। ओके तो यहाँ पे आ जाएंगे और हमारी कला, आपको बैचेस में एनरोल करना है तो आप ultimatesea.com से कर सकते हैं। चलिए आइए, तो अभी हम जल्दी से करते हैं स्टार्ट एसएम चैप्टर 1 की। अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर का नाम ही है, तो इसमें एक एक करके अभी अपन क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को दरादर हमें देखना है। सबसे पहला सवाल देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको क्वेश्चन का जो है ना यहाँ पे सोर्स भी दिया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली कहाँ पे आया हुआ है सब, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला सवाल क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो अगर आपको याद आ रहा है, हमने हमने कुछ सवाल पढ़ा था, मुझे बताइए जल्दी से, हमने एक सवाल पढ़ा था व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ, है ना, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, है ना, जिसका एक ट्रिक था कॉस्टली ईटीसी, याद रहेगा, कॉस्टली एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें पहला पॉइंट ये होता है कि एसएम इज अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि हमें एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स लगाने पड़ते हैं, है ना, एनवायरमेंट का एनालिसिस करने के लिए, स्ट्रेटेजी को बनाना है और इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके लिए हमें थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ता है। ये किस में आता है, ये आता है आपके लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या, सवाल है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, आगे लिख दो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बताओ। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और वही जो मैंने आपको रीजन बोला वो यहाँ पे लिख देना है, खत्म होगी बात, आगे बढ़ेंगे अगली बात। नेक्स्ट देखें, बोलते हैं ईच ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिल्ड इट्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कीपिंग इन माइंड द बिजनेस वॉरफेयर, दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कंसिडर दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स, है ना, मतलब पहले उसने फालतू टाइम पास किया और अब क्या बोलता है बताइए, बेनिफिट्स बताओ, अरे ढोकले पहले लिख देना था यार, है ना। तो बेनिफिट्स है, इंपॉर्टेंस क्या है बताइए, इसका भी ट्रिक आप सबको पता है, क्या बताइए क्या है ट्रिक, कि फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाते हैं, मुझे बताइए। कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर टू वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड वेज एंड मीन्स टू रीच देम। देन डी से क्या होता है बताइए, कि क्या बताइए, एसएम प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग गोल्स एंड मिशन। पी से क्या होता है, पी से आता है बेटा, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। देन दो सी आते हैं, पहला आता है क्या बताइए, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ, क्या बताइए, कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। एंड दूसरा सी होता है, इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल्स, अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। इट्स क्या बता, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स, याद आ रहा है। एंड एल से क्या था, इट एनहेंसेज द लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस, है ना। तो ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, जो कि हमने यहाँ पे निपटा दिए, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है बेटा, हम यहाँ पे एक एक शब्द ऐसे रीड नहीं करने वाले हैं, तो मैं आपको इसी तरह से ओवरव्यू आपको दे दूंगा, अगर मुझे कहीं पे लगा कि यार यहाँ पे कुछ रीड करने की ज़रूरत है तो हम आपको वैसा बताएंगे, ठीक है। ओके तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगली बात है, व्हाट शुड बी द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट, ये भी मैंने आपको क्लास में समरी में लिखवाया हुआ है ऑलरेडी, है ना, अगर आपको याद आ रहा हो प्लीज़ मुझे बताइए।
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट, मैंने बोला था इसमें छोटा सा एमसीक्यू आता है, अगर एक छोटा सा एमसीक्यू है तो फिर ये पूछेंगे अ गुड मिशन या अ गुड मिशन शुड बी क्या पीडीएफ सीएम है ना, प्रिसाइज डिस्टिंक्टिव फिजिबल क्लियर मोटिवेटिंग। इसमें कुछ बच्चे अपना भलता भी बनाते हैं है ना, क्या बताइए, कुछ बच्चे जो यहाँ पे अपना भलता अलग से भी बनाते हैं, क्या बोलते हैं वो मेमोरी ट्रिक, ठीक है ना, पर हमें क्या है तो प्रिसाइज डिस्टिंक्टिव फीजिबल क्लियर एंड मोटिवेटिंग डन। एक बार ये जल्दी से देखे तो कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट, यस कम ऑन, चलिए क्यों क्या है दोस्तों बताइए, बोलते हैं क्या बताइए यहाँ पे क्या है कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए बताओ। मिशन स्टेटमेंट शुड हैव, मिशन स्टेटमेंट शुड गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी बिजनेस एम्फेसिस पाथ फॉर डेवलपमेंट, मतलब कि डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट शुड बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड नॉट बी टू मेक प्रॉफिट, याद है। एंड और क्या बताना चाहिए मिशन स्टेटमेंट को कि व्हाट नीड्स ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू सेटिस्फाई, विच कस्टमर ग्रुप यू आर टारगेटिंग, आपकी टेक्नोलॉजीज आपकी कॉम्पिटेंसीज कैसी है एंड विच एक्टिविटीज़ यू परफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें मिशन स्टेटमेंट के थ्रू समझ में आनी चाहिए, अगर ऐसा समझ में आता है तो वो मिशन स्टेटमेंट अच्छा है, नहीं समझ में आता मतलब मिशन स्टेटमेंट को आपको और बेटर तरीके से बनाने की ज़रूरत है, बस इतना ही पॉइंट है उसमें। क्या डन है, बात मुझे बताइए। तो ये क्या है, व्हाट आर द मेजर कमेंट्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट, आरटीपी नवंबर 22 का सवाल है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगली बात हम देखेंगे, एक मिनट। ओके नेक्स्ट, अगली बार देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बोलते हैं एबीसी लिमिटेड करंटली सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स इन टू मेजर मार्केट्स यूरोप एंड एशिया, व्हाइल क्या बताइए, व्हाइल इट इज अ मार्केट लीडर इन यूरोप, तो एबीसी लिमिटेड हैज स्ट्रगल टू पेनिट्रेट द मोर कॉम्पिटिटिव एशियन मार्केट। तो एबीसी लिमिटेड कंपनी है ये यूरोप यूरोप में और क्या बताइए एशिया, ये दोनों में क्या करते हैं, दोनों में इसका काम है, लेकिन यूरोप में क्या है ये मार्केट लीडर है, पर एशिया के मार्केट को अभी तक ये लोग क्रैक नहीं कर पाए। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट को क्या किया, हायर किया और उसको पूछा कि भाई प्लीज़ हमें बता कि ऐसा क्यों हो रहा है या कुछ हमें एडवाइस दे। तो स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट ने रिपोर्ट बना के बोला, रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट बना के दिया, बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि क्या बताइए, स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट ने बोला कि भाई देखो तुम ना एशिया में अपना बिजनेस बंद कर दो, पुल आउट करना मतलब वहाँ से निकल जाओ ऐसा, तो एशिया में बिजनेस बंद कर दो, तुम सिर्फ यूरोप पे फोकस करो ना, तुमको आता है वहाँ पे बिजनेस करना, तुम सिर्फ वहीं पे फोकस करो, काहे को तुमको एशिया में जाना है। तो अब मुझे बताइए दिस, अगर ये डिसीजन लेना है सो दिस डिसीजन विल रिलेट टू विच लेवल ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैनेजर एट दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें कौन से बिजनेस में रहना है, किस में नहीं, कौन से बिजनेस में कितने रिसोर्सेज लगाने हैं, राइट, ये कौन बताता है, ये कॉरपोरेट लेवल मैनेजर्स बताते हैं, याद है। एंड मुझे बताइए व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीएलएम, हमने इसका ट्रिक बताया था, क्या बताइए, प्रोवाइड क्या, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एमबीए लीडरशिप, याद है क्या, कम ऑन, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एमबीए लीडरशिप। ये देखिए ये हमारे हैंड रिटन नोट्स है जो हम हमारे ये एनरोल्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो पेज नंबर 1.9 अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1.9 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या है बताओ 1.9 में आपको क्या मिल जाएगा, ये बोलते हैं क्या बताइए, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एम बी ए लीडरशिप। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सी एल एम का काम क्या है, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेस, स्पैन मतलब सारे ओवरऑल पूरे कंपनी पे अप्लाई होता है ऐसा। तो ये हो गया, फिर एम बी ए बोलते हैं डिफाइनिंग मिशन एंड गोल्स, देन बी से आता है डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, ए से आता है एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट बिजनेसेस, एंड लीडरशिप क्या है, प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। क्या समझ में आ रही बात है और क्या क्वेश्चन आसान लग रहा है क्या, बताइए, है ना। ऑब्वियसली बेटा देखो आपको ये चीज़ें याद कैसे होगी जब आप इसको रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम्स, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें,
जो मैंने आपको जैसे ये नोट्स पॉइंट किए हैं, तो इससे प्लीज़ बार 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 रिवाइज करें चीज़ों को, और यही सारी चीज़ें आपको आखिरकार एग्जाम मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस में लिखनी है। तो जैसे अभी ये ट्रिक आपको हेल्प कर गई ये सवाल को सॉल्व करने में, ये RTP May 22 का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात है, मुझे बताइए, ये देखो ये भी RTP में 2 बार आया हुआ है और मॉक टेस्ट पेपर में 1 बार पूछा है इंस्टीट्यूट ने। देखें, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इट मस्ट पोजेस टू बी मीनिंगफुल। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, ये भी आपको आता है ऑलरेडी। यस, मुझे बताइए जल्दी से, कम ऑन। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बोलते हैं दे आर दी परफॉर्मेंस टारगेट्स, दे आर दी यार्ड स्टिक्स फॉर ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। या हमने जो क्लास में लिखा था ऑब्जेक्टिव के बारे में वो भी लिखा तो चलेगा, कि दे आर क्या बताए, दे आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स। फिर उसके नीचे लिखना दे आर कंसिडर्ड एज यार्ड स्टिक या बेंच मार्क, है ना, फॉर परफॉर्मेंस क्या बताइए, अप्रेजल्स फॉर एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको क्लासेस में जो लिखवाया था वो भी आप चलेगा, अगर आपने वो लिखा तो ये वाली चीज़ें भी चलेगी, अगर आपने ये लिख दिया वहाँ पे तो। आपको समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में 2-3 लाइन लिखना है, और फिर क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ, ट्रिक क्या है इसकी, कम ऑन जल्दी से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव की ट्रिक क्या है। यस, वेरी गुड, बोले ऐसे, हाँ बोले तुम ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाओ जिससे क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस स्मार्ट एंड चैलेंजिंग हो जाए, याद है क्या, स्मार्ट एंड चैलेंजिंग परफॉर्मेंस। यस और नो, ओके, हाँ तो इधर आइए, यहाँ पे देखिए स्मार्ट एंड चैलेंजिंग परफॉर्मेंस, देखिए क्या है, देखिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, इट शुड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। देन एम से क्या आता है, इट शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। ए से क्या आता है, इट शुड बी फैसिलिटेटिव टूवर्ड्स अचीविंग मिशन एंड पर्पस। आर से आता है, इट शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरमेंट। टी से आता है, इट शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम। नेक्स्ट देन क्या है, इट शुड बी चैलेंजिंग, इट क्या बताइए, इट शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब कि लोगों के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। इट शुड को रिलेट विद ईच अदर, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, को रिलेट विद ईच अदर एंड इट शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, मतलब हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बनाओ। इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया था वो अमन गुप्ता का एप्पल विजन प्रो वाला, याद है क्या आपको, कम ऑन बताइए, यस और नो। हाँ तो मैंने इसमें क्या बोला था लास्ट पॉइंट के लिए, कि मैंने बोला था कि अमन गुप्ता क्या करेगा, वो एप्पल विजन प्रो को देख के बोलेंगे चलो हम भी बोर्ड में तुरंत बना लेते हैं एप्पल के जैसे एप्पल विजन प्रो, लेकिन उसके फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे भैया रुक जाओ, है ना, अपने पास अभी ऐसी कैपेबिलिटी है नहीं, अपने पास ऐसे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है कि हम तुरंत में इसको बना सकें, बनाएंगे पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से, है ना, एक बच्चे ने मस्त लिखा है, तो चद्दर, हाँ बिल्कुल भाई, बोले जितनी चद्दर उतने पैर अपने को फैलाने हैं, है ना। तो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट करो ऐसा, ठीक है ना, अपने रिसोर्सेज अपने एबिलिटीज के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, तो ये डन है, डन होगी बात, आगे बढ़े नेक्स्ट, अगली बात नेक्स्ट है, मिस्टर मेहता शेयरिंग विथ हिज फ्रेंड इन एन इनफॉर्मल डिस्कशन दैट ही हैज टू मूव वेरी कॉशियसली इन हिज ऑर्गेनाइजेशन एज द डिसीजंस टेकन बाय हिम हैज द ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्पैक्ट। ओ हो, लार्ज कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बोले मिस्टर मेहता बोलते हैं अपने दोस्त को, यार आपको मैं क्या ही बताऊं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करता हूँ ऐसा, राइट, एक मिनट रुके हैं, ये सॉरी, चलिए तो बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता हूँ, ठीक है ना, हाँ मेरे काम मेरे डिसीजन से इसका ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्पैक्ट पड़ता है, मेरे डिसीजन के हिसाब से बहुत लार्ज कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज लग सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। मैंने बोला जिस बिजनेस से पैसा लगा उसमें लगेगा, जिसमें नहीं लगा नहीं लगेगा ऐसा, तो अब क्या बताइए, मेरे डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड होता है, तो बताओ मैं कौन से लेवल पर काम करता हूँ ऐसा, तो बताइए। तो मिस्टर मेहता कौन से लेवल पर काम करता है, ये टॉप लेवल पे काम करता है, ठीक है ना। अगेन सेम देखो, इसके रोल के बारे में बताएं, इसके रोल के बारे में बताएं, क्या बताओ, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग MBA लीडरशिप, वही है, देखो वही लिखा है, हिज रोल इंक्लूड्स डिफाइनिंग मिशन एंड गोल्स,
डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, एलोकेटिंग रिसोर्स, वही चीज़ है सेम। तो बस बताना है कौन से लेवल पे काम करता है और फिर ये रोल बताना है, हो गया खत्म, आगे बढ़े। एक बार ये रीड करो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये क्वेश्चन का मैंने आपको एक मेमोरी ट्रिक बताया हुआ है, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, मुझे मेमोरी ट्रिक बताइए जल्दी से, कम ऑन। यस, एक बार जल्दी क्वेश्चन पढ़े। चलिए ओके, सो क्या है मुझे बताइए। तो आंसर है इसका, बोलते हैं आपको बताना है पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, फिर बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताओ, बताओ क्या कमी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। बोलते हैं कि कॉस्टली होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो ये एग्जाम में भी आए हैं नवंबर 22 के, और ऑलमोस्ट हर RTP में इंस्टीट्यूट ये सवाल को डालता है, ठीक है ना, और मॉक टेस्ट पेपर में भी क्या है बहुत बार आए हुए हैं। तो कॉस्टली एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मुझे बताइए क्या है, बताओ कि आपका SMS का, इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। अगला क्या है, ETC, इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, याद है क्या आपको, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, राइट। तो ई से ये था, फिर क्या आता है आपका बताइए, अगला क्या आता है, ये मतलब जो सेकेंड ये था कॉस्टली, ई वाला पॉइंट ये है कि इट इन, तो यहाँ पे देखो अलग तरीके से थोड़ा सा लिखा है पहला लाइन, और फिर लिखा है डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेटजीज। फिर अगला क्या है, कॉस्टली ETC, टी से क्या आता है कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत बार जो है ना स्ट्रैटेजी बनाने में इतना टाइम पास हो जाता है कि इट इम्पीड्स, है ना, रुकावटें आती हैं हमारे डेली ऑपरेशंस पे, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारे रूटीन बिजनेस को। एंड आखिरी क्या है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, है ना। बोलते हैं कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड टर्बुलेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, करेक्ट। तो बोलते हैं कि एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट होता है, इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो है ना तुम भले ही कितना भी प्लानिंग कर लो, पर ऐसा हो सकता है कि योर स्ट्रेटेजी में ऑफली गो रॉन्ग, ऐसा। ये धन्यवाद, ओके। अब यहाँ पे एक रमेश शर्मा वाला भी एक सवाल दिया हुआ है आपको, और ये रमेश शर्मा वाला जो सवाल है ना बेटा, ये तुम्हारे स्टडी मेटल का सवाल है। तो यहाँ पे भी इन्होंने लिखे हैं लिमिटेशन, पर थोड़ा अलग तरीके से लिखे हैं, है ना। तो मैं एक बार आपको ये बताना चाहूँगा, ये रमेश शर्मा वाला देखो आपके स्टडी मटेरियल में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करके होगा, है ना। या हमारे SM शास्त्र, अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट हैं तो SM शास्त्र में आपको ये 1.22 पेज नंबर पे आपको दिख जाएगा। यस, यहाँ पे आप देखें, बोलते हैं रमेश शर्मा हैज़ 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन दिल्ली रीजन, ये मैंने क्लास में भी करवाया था, है ना। 4 ऑफ दीज स्टोर्स वर ओपन इन द लास्ट 3 ईयर्स, तो ही बिलीव्स दैट मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली एंजॉयड सिग्निफिकेंट सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, TV, वॉशिंग मशीन, एंड टिल 4 ईयर्स बैक विद शिफ्ट टू परचेस टू ऑनलाइन स्टोर द सेल ऑफ स्टोर हैज़ कम डाउन नाउ। क्या है बोले, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह आप यूज़ करते ना घर पर, जैसे TV, AC, फ्रिज, ये सब चीज़ें आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसको एक बार खरीद लिया तो उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल आइटम होती है, ठीक है। तो इसका इनका बिजनेस है, और 15 स्टोर है जिसमें से 4 स्टोर उन्होंने पिछले 3 साल में चालू किए हैं, धनाधन चल रहा है उनका बिजनेस। लेकिन क्या बताओ, लेकिन ऑनलाइन चालू होने की वजह से बाकी कंपनीज ने ऑनलाइन चालू कर दिया, या ऑनलाइन सेल होने की वजह से क्या हुआ, इनका सेल अभी 70% कम हो गया। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप लिमिटेशन बताओ SM का। अब इस केस स्टडी के हिसाब से देखो, अगेन बात वही 4 पॉइंट्स की होगी, बस थोड़ा सा इसमें क्या किया इन्होंने, इन्होंने उसके हिसाब से लिखा हुआ है,
जैसे हमने बोला, जैसे एक पॉइंट है हमारा कॉस्टली वाला, ठीक है ना, कॉस्टली वाला कहा गया भाई, ये देखो बोलते हैं कॉस्टली वाला, ये एस एम इज कॉस्टली, तो इसमें आप रमेश शर्मा के नज़रिए से लिखना है कि रमेश शर्मा वे कंसिडर एंगेजिंग एक्सपर्ट्स। हम क्या लिखते हैं कि एक्सपर्ट को लगाना पड़ता है इसलिए महंगा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है कि रमेश शर्मा ने अगर एक्सपर्ट्स को लगाया तो उसको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, समझ मारा है ना। और उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कस्टमाइज तरीके से जो उसके बिजनेस में लगे, तो ऐसी कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो पहला है कॉस्टली, देन ई से क्या आता है डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, ठीक है ना, वो वाला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, अलग तरीके से थोड़ा सा लिखा है। बोलते हैं कि लिमिटेशन ऑफ एसएम इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ थिंग्स विल शेप अप इन फ्यूचर, है ना। भले ही हम एसएम को लगाते हैं लेकिन क्या बताइए, एसएम को लगाने के बावजूद क्या हो सकता है बताइए, ऐसा हो सकता है कि एनवायरमेंट में क्या हमने कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई तो उस पर बाकी लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो हम पहले से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं विद इन क्लोज डोर्स, ऐसा हमने एक लाइन पढ़ी थी याद है। तो एस्टिमेट वाला पॉइंट है। फिर है टाइम कंज्यूमिंग वाला, ये देखो ये है टाइम कंज्यूमिंग, आपको समझ में आ रहा है वही चीज़, बस थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है यहाँ पे रमेश शर्मा के केस स्टडी के हिसाब से हल्के से पॉइंट्स उसमें मतलब ट्वीक किया उसको। तो अगेन क्या है, देखो बात को समझो, हमारा पॉइंट ये नहीं कि हम आपको आज के आज ही सब आ जाना चाहिए, आप इस तरह से सोचा मत करो। ये जो एसएम का सब्जेक्ट है ना, इसको बहुत ज़्यादा रिविजन लगता है, तो अभी समझो आपने पहली बार अभी किया इसको, जब आप 3 बार 4 बार 5 बार ऐसा इतनी बार अपने को रीड करना पड़ेगा इसको, ये तब जाके जहन में बैठता है, तब जाके हमको फिर अपने आप अंदर से आएंगा कि भाई कैसे लिखना है। तो अभी आप घबराइए मत, अभी आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से लिखते हैं जब ऐसा केस स्टडी के थ्रू पूछा तो ऐसा, ठीक है। तो अभी टाइम कंज्यूमिंग वाले में क्या बोला है, बोलते हैं कि देखो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना, द चैलेंजिंग टाइम रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स ऑन हिज पार्ट। चैलेंजिंग टाइम का मतलब क्या है, मतलब कि अभी तो और बुरा समय चल रहा है उसका, कि ऑनलाइन की वजह से उसका सेल काफ़ी डाउन हो गया है, तो अभी तो उसको और टाइम डालना पड़ेगा स्ट्रैटेजीज बनाने में ऐसा। एंड फाइनली कि बोलते हैं एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट है, बोलते हैं ऑनलाइन स्टोर के आने की वजह से क्या हो गया, इसका सेल इतना ज़्यादा कम हो गया, भले ये पहले कितना मतलब कितने ज़्यादा स्टोर इसने चालू की थी, फिर भी क्या हुआ है ना, ऑलरेडी क्या बताइए इसमें लिखा हुआ है उसने कि ऑलरेडी वो स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहा है बिजनेस को, मतलब वो ऑलरेडी एसएम बिजनेस में लगा रहा है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एसएम बिजनेस में लगा रहा है वो ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि एसएम यूज़ नहीं कर रहा, वो एसएम बिजनेस में लगा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन दुकान जब चालू हुई तो इसका 70% सेल गिर गया ऐसा। तो ये प्रॉब्लम कब होता है, बोलते हैं कि भले एसएम लगा लो स्टिल एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रमेश शर्मा के नज़रिए से जवाब दिया हुआ है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट डन है क्या। तो मैंने यहाँ पे जनरल वे में दिया है, वो रमेश शर्मा के हिसाब से स्टडी मटेरियल में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट अगली बात फिर आता है, व्हाट बेनिफिट्स अक्रू बाय फॉलोइंग अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग, या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो एक प्रकार से रिपीट है ये तो सवाल, ठीक है ना आपको। यार देखो मैंने ना सब रिपीटेशन हटाने की कोशिश की, अब एक हाथ दो क्वेश्चन दिख सकते हैं आपको जो रिपीट हो जाए, वरना वैसे तो हमने सारे जो है रिपीटेशन हटा दिए, ठीक है ना। चलिए आगे, तो ये वही वाले अपने जो नहीं क्या वो फेसबुक पे फ्रेम वाली टीपी, वही वाला है ये क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इधर आइए, अब यहाँ पे देखो धर्म सिंह, एक बार धर्म सिंह वाला क्वेश्चन रीड करें और मुझे बताइए, ये भी स्टडी मटेरियल का सवाल है, मुझे बताओ धर्म सिंह जो है ये कौन से लेवल का मैनेजर है। चलिए यस कम ऑन बताएंगे, एक बार रीड करें क्वेश्चन को। एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसमें रिलेटिव वाला पॉइंट डाल सकते हैं, इसमें यही तो है बेटा, वो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हाउ थिंग्स विल शेप अप, यही है वो वाला पॉइंट, कि डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स। तो वही वाले पॉइंट को यहाँ पे अलग तरीके से लिखा हुआ है, पर आपने इसके बदले अगर वो लिख दिया तो भी चलेगा, ये नहीं लिखा समझो, आपने डिफिकल्ट टू एस्टिमेट वाला लिखा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल पॉइंट भी दिया हुआ है,
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू विजुअलाइज हाउ ऑनलाइन स्टोर विल बी मूविंग स्ट्रेटेजिकली। ये जानना कि ऑनलाइन स्टोर वाले कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे वो पहले से हम नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए ओके रहिए, तो यहाँ पे देखें प्लीज कमन, तो क्या है बताओ, बोलते हैं धर्म सिंह ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का हेड है साइक्लिक्स का, अब उसको प्रमोशन करके उसको सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जो सीनियर मैनेजर है ना वो क्या करते हैं, वो इसको ज़्यादा क्या बताओ, सीनियर मैनेजर को इसका काम अच्छा लगता है लेकिन उसको ज़्यादा क्या बताएं, ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देते इसको, है ना। मतलब क्या है, जब स्ट्रैटेजी को बनाना होता है, को क्रिएट करना होता है, उसके बारे में डिसीजन लेना होता है, तब इसको इन्वॉल्व नहीं करते उसमें। तो पहले तो ये बताओ कि धर्म सिंह कौन से लेवल पे काम करता है, और फिर ये बताओ कि क्या कॉर्पोरेट लेवल वालों ने, सीनियर मैनेजर्स ने क्या सही किया गया इसको इन्वॉल्व ना करके। तो क्या है बताओ, पहला सवाल का जवाब ये है, ये फंक्शनल लेवल का मैनेजर है। क्योंकि देखो ना, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट मतलब एक फंक्शनल डिपार्टमेंट है, उसका हेड है ये। एक फंक्शनल डिपार्टमेंट का क्या है ये बताओ, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट का हेड है, समझ पा रही बात है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, फंक्शनल लेवल मैनेजर हो गया, राइट। अब थोड़ा सा आपको फंक्शनल लेवल मैनेजर्स के बारे में लिखना पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा कि फंक्शनल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं। ये ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को। किस चीज़ के लिए, ताकि वो रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजी, अटेनेबल मतलब अचीवेबल, इसका मतलब क्या है कि वरना कॉर्पोरेट लेवल वाले कुछ भी अंधाधुन कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और फंक्शन वाले बोलेंगे भाई ढोकले तो पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए करना, क्यों ऐसे कुछ भी स्ट्रैटेजी बना रहे, जो हमारे लिए पॉसिबल है ना। जैसे हमने पॉइंट पढ़ा था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के हिसाब से जो पॉसिबल वैसे ही बनाओ ना भाई, ऐसा बोलते हैं कि फंक्शनल लेवल मैनेजर्स इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल वालों को। बोलते हैं बिकॉज फंक्शनल लेवल वाले जो होते हैं, दे आर क्लोजर टू द कस्टमर देन द टिपिकल जनरल मैनेजर। जो जनरल मैनेजर कौन होता है, जनरली BLM वाला, है ना। BLM एंड ऑब्वियस CLM से भी क्या बताइए, मतलब ये CLM से ज़्यादा क्लोजर होता है टू द कस्टमर्स, तो इसलिए इनको ज़्यादा चीज़ें पता होती है। फंक्शनल मैनेजर में जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज विच मस्ट सब्सिक्वेंटली बिकम मेजर स्ट्रैटेजीज। आपको याद है सारी लाइन्स हमने क्लासेस में पढ़ी है, तो इसलिए जनरल मैनेजर शुड लिसन क्लोजली, ध्यान से सुननी चाहिए इनकी बातें। एंड एक और जिम्मेदारी होती है फंक्शनल लेवल मैनेजर्स की, क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान्स। बस खत्म हो गया। तो क्या सही किया गया मुझे बताओ, क्या सही किया, क्या ये राइट अप्रोच है कि उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व मत करो, तो आंसर वो भी देना है फिर कि द अप्रोच ऑफ साइक्लिक्स कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इज नॉट राइट। समझ मारे, ये देखो आपको सब चीज़ पर ध्यान देना है, इसमें ये पूछा है तो इसके लिए भी अलग से एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि क्या इन्होंने सही किया, आंसर है नहीं, इन्होंने सही नहीं किया ऐसा। चलिए आगे नेक्स्ट फिर बात है, देखिए बोलते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली द की एरियाज इन विच स्ट्रेटेजिक प्लानर शुड क्या बताइए, कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड टू अचीव डिजायर रिजल्ट, बताइए कमॉन। तो क्या है, यही सेम सवाल जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है ना 7 एरियाज में बना सकते हैं, कौन से वो बताइए, वो है 3P 2E CT, बताइए। बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, क्या करवाया हुआ क्लास में, कम ऑन नेक्स्ट आगे बढ़े। ABC फार्मास्यूटिकल, ये भी शायद से मुझे हिसाब से स्टडी मटेरियल का सवाल है, राइट। नहीं नहीं SMA नहीं है, पर इसके जैसा एक है शायद से, आई गेस एज इन विजन मिशन बनाने वाला एक है क्वेश्चन, पर ये नहीं होगा शायद, ठीक है चलो देखते हैं क्या है। बोलते हैं ABC फार्मास्यूटिकल एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई बनाने वाली। इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स स्ट्रेटजिक इंटेंट द टॉप मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डिफाइन द कंपनीज फ्यूचर डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव गोल, मतलब विजन मिशन बनाना है। उनका एम क्या है, टू क्रिएट अ विजन दैट सेट्स द ऑर्गेनाइजेशन अप, ऐसा विजन बनाओ जो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी मिले, मतलब एक बाकी उसे अलग दिखना चाहिए ऐसा। इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर फ्यूचर ग्रोथ, इट एस्पायर्स टू एनरिच द लाइफ ऑफ पीपल बाय प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एंड वॉन्ट्स टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मा कंपनी बाय 2030। आपको इसके हिसाब से विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाना है। आइए एक बार इसको रीड करें, मुझे बताइए इसको जल्दी से आप एक बार रीड करें। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे
विजन स्टेटमेंट, विजन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझाया, मिशन क्या होता है उसके बारे में एक दो लाइन लिख दी, और फिर उन्होंने क्या किया है, तो पहले बताया कि विजन होता क्या है, फिर विजन स्टेटमेंट उन्होंने बना के बताया। सर क्या ये एग्जैक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा तो हमारा कम ज़्यादा होगा तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको समझ में आएगा कि कैसे विजन स्टेटमेंट बनाना है, आपको समझ आ गया। वैसे यहाँ पे इन्होंने फिर बताया कि मिशन क्या होता है और फिर मिशन स्टेटमेंट ABC का क्या होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कम ज़्यादा हो, हम एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया है, यहाँ पे अपने मर्जी से बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है जो क्वेश्चन में दी भी नहीं है, तो आपको ना धीरे धीरे ऐसा समझ में आएगा कि अभी जैसे एक फार्मा वाला कंपनी है, एक हमने वो फील गुड कॉस्मेटिक्स करके किया था, याद है, एक क्वेश्चन है अभी आएगा आगे, फील गुड कॉस्मेटिक्स वाला। तो ये ऐसे पढ़ते पढ़ते हमारे वो नैक डेवलप होता है कि कैसे करना है, आपको समझी ना बात, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें आप ये घबराइए मत कि पहली बार में नहीं आता, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, पहली बार हम नहीं कर पाए, पर ये तो आया ना आपको पहली बार में, आपको लिमिटेशन तो आया ना पहली बार में, आपको ये तो चीज़ पहली बार में याद आई ना, वही बोल रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको पहली बार में याद आती, पर कुछ कुछ चीज़ों में हम इसलिए तो सेशन कर रहे हैं ना, हम सीख रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना। हाँ चलिए एक बार इसको रीड करो, मुझे बताइए क्या बात डन है, एक बार रीड करें इसको। चलिए देखिए, तो क्या बोल रहे हैं, पहले उसने बोला विजन क्या है, बोलते हैं इट इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजिशन, करेक्ट। बोलते हैं इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू लैंड, हमें कहाँ जाना है, वेयर वी वॉन्ट टू गो, ये क्या बताता है विजन, ठीक है ना। अब देखो इसने विजन कैसे निकाला, देखो अब यहाँ पे दिख रहा है ये वर्ल्ड का लीडिंग मैन्यू फार्मा कंपनी बनना चाहता है, तो इस लाइन से उन्होंने क्या किया, विजन स्टेटमेंट बना लिया, टू बी द ग्लोबली रिकॉग्नाइज लीडर इन फार्मा कंपनीज। अब देखो उसने क्या डाल दिया इसमें, अब ये इनोवेशन एंड एनरिचिंग, देखो एनरिचिंग द लाइफ वाली क्वेश्चन पॉइंट तो यहाँ पे भी था, है ना, बाय प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एक्सेसिबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने ये पॉइंट से उठा लिया कि ये हमारा विजन हो सकता है, पर टाइम मत डालना, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि विजन स्टेटमेंट में ना कभी ये टाइम बाउंड नहीं होता एक्चुअली, विजन स्टेटमेंट विजन एक ऐसी चीज होती है जिसको हम कंटिन्यूअस बेसिस पे उसको प्राप्त करते ही रहते हैं, उसके पीछे कंटिन्यूअस बेसिस पे भागते ही रहते हैं, आपको याद है मैंने आपको समझा था, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बंदा है जो अपना फिटनेस के लिए गोल बना रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे 6 पैक एब्स बनाना है, ये मेरा विजन है, 6 पैक एब्स बनाना है, ये विजन नहीं हो सकता। आपका विजन हो सकता है कि मुझे हेल्दी रहना है, अब हेल्दी रहना ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन हमने हम हेल्दी हम अचीव कर लिया हमने, ऐसा नहीं होता है, हेल्दी रहना है दिस इज अ कंटिन्यूअस परसूट, आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी हेल्दी रहने के, वैसा होता है विजन। अब बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कभी भी अगर ये टाइम जैसे दिया है तो कभी भी टाइम नहीं डालना है विजन स्टेटमेंट में, ठीक है ना, ये ऐसा होना चाहिए कि जिसके लिए हम कंटिन्यूअस मेहनत करते रहे। तो टू बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज लीडर इन फार्मास्यूटिकल इनोवेशन एंड एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हाई क्वालिटी वाला तो हमारे क्वेश्चन में दिया था, एंड प्रोडक्ट एट कॉम्पिटेटिव प्राइसेस। अब विजन बनाते वक्त हम ये बोलेंगे क्या कि हमको कॉम्पिटेटिव प्राइसेस रखने हैं, इसी चीज़ को उसने कैसे लिख दिया कि हम अफोर्डेबल बनाएंगे एंड एक्सेसिबल बनाएंगे, एक्सेसिबल मतलब हर कोई व्यक्ति खरीद सके, तो उसने एक कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मतलब बाकी कंपनी से क्या बताइए, बाकी कंपनी के जैसा ही उनसे कम प्राइस रखेंगे ताकि हमारे पास लोग ज़्यादा आए। तो ये विजन में लिखने से ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि हम लिखे कि हम अफोर्डेबल बनाएंगे चीज़ें, ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएंगे। तो ये क्या है ना, बात समझो, अभी जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि अभी इस क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा किया हुआ है,
तो इससे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा आगे कि कैसे फिर लिखते हैं खुद से, ठीक है। आगे अब ये भी थोड़ा सा बेटा क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लिख दें इन्होंने यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा का ज्ञान दे दिया यहाँ पे। बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट के बारे में पहले लिखो, बोलते हैं इट डेलिनेट्स, डेलिनेट्स मतलब बताता है अबाउट फर्म्स बिजनेस गोल्स एंड वेज टू रीच देम। इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। इट इज डिजाइन टू हेल्प द शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कंपनी। तो पर्पस को समझने के लिए, एक्टिविटीज को समझने के लिए है। आप यहाँ पे वो भी लाइन लिख सकते हैं कि मिशन स्टेटमेंट क्या बताइए, इट इट शोज द प्रेजेंट ए बी सी ऑफ द कंपनी, याद है, इट शोज या इट क्या बताइए, इट डेलिनेट्स द प्रेजेंट एक्टिविटीज बिजनेस मेकअप आपका कॉम्पिटेंसीज एंड क्या बताइए कस्टमर फोकस, ये चीज़ों के बारे में बताता है मिशन स्टेटमेंट। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा मिशन स्टेटमेंट का लिखा हुआ है क्या कि हम वेल बींग इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट चूंकि फार्मा कंपनी है इसलिए इसमें लिख दिया उन्होंने, क्या लिखा, हम चाहते हैं टू इम्प्रूव द वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल्स बाय रेडेंटलेसली परसुइंग एक्सीलेंस इन। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये लाइन जैसे हो गई, ये लाइन आप भी यूज कर सकते हैं कोई दूसरे कंपनी के मिशन में। रेलेंटलेसली परसू करना, ये तो हर एक व्यक्ति करेगा ना, मेहनत करके हम मेहनत करेंगे, तो ये जैसे ये जो लाइन हो गई ये एक प्रकार से क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे अपन ने समझो अपन ने किसी एक फ्रेंड को कुछ तारीफ किया एकदम भारी कुछ लिख के, तो अपन उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरे फ्रेंड को भी लिख सकते हैं ना, तो वैसा बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं बात क्या बोल रहा हूँ, हाँ ऐसी बात बोल रहा हूँ। तो आप इधर समझो कि ऐसी कौन सी लाइन है इसमें, कौन से शब्द है जो किसी और कंपनी में भी लिख सकते हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ हाँ। टीचर्स को भी करते हैं, टीचर्स को भी, एक बच्चे ने ना मुझे एक बार मैसेज किया था, बहुत लंबा मैसेज, वैसे तो बहुत आते हैं ऐसे मैसेजेस, पर एक मैसेज किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैसेज पढ़ के, ठीक है ना, तो मैंने वो स्टोरी पर डाला इंस्टाग्राम के स्टोरी में। थोड़ी देर बाद प्रणव सर की स्टोरी में मुझे सेम इमेज दिखा, मतलब प्रणव सर क्यों मेरा, मतलब बच्चे ने मुझे जो लिखा वो प्रणव सर क्यों क्यों डाल रहा स्टोरी पे, तो मैंने चेक किया कि उसने सेम मैसेज प्रणव सर को भी लिखा था, सेम मैसेज इंद्र सर को भी डाला था, तो यार बहुत दर्द होता है। तो आप भी अगर कभी ऐसा करेंगे टीचर के साथ में, आपके किसी फ्रेंड के साथ, तो आपको क्या क्या देखना है, आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि वो दोनों फ्रेंड को एक दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दोनों को सेम मैसेज किया है, क्या आप समझ रहे हैं बात में क्या हो रहा हूँ, बाकी अब आप समझदार हो बाकी तो, ठीक है ना। चलिए क्या डने के बाद मुझे बताइए क्या ये डने बात, तो ये जैसे ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इम्प्रूव द वेलबींग क्योंकि फार्मास्यूटिकल है एंड बाय रेडेंटलेसली परसुइंग एक्सीलेंस, तो ये तो लाइन हम लिख ही सकते हैं, इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग सेफ इफेक्टिव सस्टेनेबल मेडिसिन। अरे भाई साहब, अब देखो जबरदस्ती का अगेन मैंने कहा रीड कर करके याद होगा, ठीक है ना, हाँ, दैट एड्रेस द अनमेट, ओहो बोले आज तक जिस बीमारियों के लोगों ने दवाई नहीं बनाई उस बीमारी की दवाई बनाएंगे हम लोगों के पेशेंट्स के लाइफ की, उनको क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं थ्रू इनोवेशन कोलेबोरेशन एथिकल प्रैक्टिस वी एम टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट ग्लोबल हेल्थ केयर। तो ये थोड़ा ऐसा रीड करने वाला है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, मैंने आगे बढ़ू, कम ऑन जल्दी, है ना, तो मैंने भी एक बार सेम लिखा था एक बार, कोई बात नहीं बेटा, क्या पता वो आप ही हो। चलिए आइए, तो आइए वापस आएंगे, तो रिकॉर्डेड में देख रहे होंगे या यूट्यूब पे देखेंगे बाद में, हम ये सिर्फ पहला चैप्टर जो है वो यूट्यूब में प्रोवाइड करने वाले हैं, आगे की फिर आपको अलग से एनरोल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेटा खुद से बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी लाइव चल रही है क्लास, ठीक है ना, उसमें हम लाइव चैट में बच्चों से बात कर रहे हैं। तो सर तारीफ वाला नहीं लिखा था, बताओ। चलिए अगला क्या है, बोलते हैं व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, बता सकते हो क्या आप? यस, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, ये जैसे आपको बोला स्ट्रेटेजिक इंटेंट तो क्या लिख के आने का, ये है, ये आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट बोला तो आपको ये लिख के आना है पहले, स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या बोले, ये
इट इज द बताइए इट रेफर्स टू द पर्पसेस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। बोलते हैं जब भी बिजनेस चालू होता है तो बिजनेस चालू होता है तो सीनियर मैनेजर्स मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू व्हाई दे वांट टू डू इट। इसमें जो ये व्हाई दे वांट टू डू है ना यही बताता है कंपनी का स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ के लिए, याद आ रहा है। बोलते हैं इट इज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएन है ना, इट गिव्स द पर्सपेक्टिव टू द मीन्स। ये बताता है व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन फ्यूचर, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स और स्टैंड्स फॉर। ये लिख के आना है आपको स्ट्रैटेजिक इंटेंट के लिए। फिर बात आती है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, तो हम तीन लेवल पे देखते हैं। पहला क्या है बताओ, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजिक इंटेंट में क्या आता है, बोलते हैं विजन एंड मिशन। आपके बिजनेस लेवल पे क्या आता है, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल। एंड आपके क्या बताइए ऑपरेशनल लेवल पे या फंक्शनल लेवल पे आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, करेक्ट। तो इसमें इंस्टीट्यूट ने ना आपके नए सिलेबस के स्टडी मटेरियल में विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव इसका थोड़ा सा बताया है मतलब, लेकिन बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल का जो मतलब वाली लाइन थी ना वो हटाई दी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंपाइलर में जो क्वेश्चन है ना यहाँ से आपको उसको करना है, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैन स्ट्रेटजिक इंटेंट। तो इसमें आपको विजन के बारे में एक दो लाइन लिखने आपको ऑलरेडी आती है, देन मिशन के बारे में लिखना आपको एक दो लाइन, गोल्स ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखना है। अब एक बार क्विकली बस मैं आपको क्या बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल ये बता देता हूँ। तो बिजनेस डेफिनेशन क्या है, बोलते हैं यहाँ पे हम क्या बताते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि हम किस प्रकार के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो हम कस्टमर्स की कौन से नीड को पूरा कर रहे हैं, हम हमारा टारगेट मार्केट क्या है, राइट। तो ये हम कहाँ पे बताते हैं बताइए, हम बिजनेस डेफिनेशन में बताते हैं ये चीज़, राइट। डिफाइन जैसे एप्पल ने डिफाइन किया है कि भैया हम क्या बताइए, एप्पल का बिजनेस डेफिनेशन क्या है, वो जो है बेटा वो लो प्राइस के प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है, उसका अभी फिक्स है कि भैया हम महंगे प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं, हम लग्जरी प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। तो उसका टारगेट मार्केट ही अलग है। और अगर मैं बात करूँ MI की, तो MI का Xiaomi का क्या बताएं, उनका टारगेट मार्केट ही पूरा अलग है, वो अलग प्रकार के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं जो लो प्राइस या मिड रेंज प्राइस के मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं, जनवरी। तो इज द बिजनेस डेफिनेशन। और अगला क्या होता है, बिजनेस मॉडल, इसका मतलब क्या होता है कि हम किस प्रकार से पैसा कमाते हैं बिजनेस में। असर्टेनिंग द सोर्सेज ऑफ इनकम, डिजायर्ड कस्टमर बेस एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, ये क्या है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि देखो राइवल फर्म्स ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री कैन हैव डिफरेंट बिजनेस मॉडल। जैसे कि मुझे बताइए OTT प्लेटफॉर्म में जियो सिनेमा का पैसा कमाने का तरीका अलग है और नेटफ्लिक्स का पैसा कमाने का तरीका अलग है। जियो सिनेमा क्या बोलता कि भाई तू ऐप डाउनलोड कर, तेरे को जो देखना है देख, हम तेरे को बीच बीच में ऐड दिखाएंगे। सिमिलर है MX प्लेयर कि तू फुकट में भी बहुत कुछ देख सकता, फुकट में भी बहुत चलेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स क्या है, जब तक तुमने सब्सक्राइब किया नहीं तब तक वो दिखाता ही नहीं, वो तुमको सब्सक्राइब करना ज पड़ता तो ऐप में कुछ दिखेगा, वरना दिखेगा ही नहीं। वो चालू ही करता क्या, लॉगिन करो, और लॉगिन कब कर सकते, जब तुमने खरीदा, बात ही खत्म। तो दोनों का पैसे कमाने का तरीका क्या है, अलग है, पर सेम इंडस्ट्री का है, इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल होना। समझ में आ रहा है, डन है बात, ये डन है। और बाकी तो आपको गोल्स ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है लिखना, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अगली नेक्स्ट ये बताइए कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। हम जो है अच्छा बस पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चंस जब होते हैं ना तो हमको इसे समझ में आते हैं कि लिखना क्या एग्जैक्टली। अगर आपको पूछा कि डिफाइन SM, तो आपको सिर्फ SM के बारे में नहीं लिखना, SM तो लिखना ही है, इसके साथ साथ तुमको ऑब्जेक्टिव भी लिख के आ जाने हैं। पर एकदम ऐसा सवाल पूछे इसके चांस कंपेरेटिवली कम है, ठीक है ना। एक बार देखे तो प्लीज रीड करो एक बार, हाँ देखो एक बच्चे ने लिखा है कि नेटफ्लिक्स का क्या है सब्सक्रिप्शन मॉडल और जियो सिनेमा का एड रेवेन्यू मॉडल। अरे अरे भाई साहब, अभी पर शायद वो जियो सिनेमा में भी आ गए ना, अभी थोड़ा सा कुछ कितना कितना ले रहे, 29 रुपीस बताओ, थोड़ा 20-30 रुपये दे दो बोले महीने का, तुमको कुछ और भी दिखा देंगे, बस कुछ तो दो तुम पैसा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते बेटा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, कॉस्ट कम रखो और मास
मार्केट को टारगेट करो ऐसा, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी तब वर्क करती है जब तुम्हारा क्या बताए, जब बहुत लार्ज कस्टमर बेस हो। तो जियो सिनेमा वाला क्या करता है, वो जो है इसलिए क्या करता है कि ये आईपीएल वगैरह जो ना अभी जियो सिनेमा पे चलता है। अब बताओ कितना अजीब लगता है, अपन देख रहे हैं क्या आईपीएल और कहाँ देख रहे हैं, जियो सिनेमा में। जियो से उससे नाम कैसा लगा, जियो सिनेमा मतलब मूवीज के लिए हो गया ना वो तो, है। और वो क्यों करते हैं ऐसा, क्यों लिया उसने आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया बेटा। करोड़ों लोगों ने, आपने देखा होगा जब वो क्या पता है मैचेस होती है उसमें ऊपर व्यूअरशिप दिखता है, करोड़ों लोग देख रहे हैं उसमें, और व्यूअरशिप पूरा वो ऑनलाइन वाला ही दिखता है उसमें, और सब जियो सिनेमा के थ्रू ही देख सकते हैं, और को तो कोई ऑप्शन नहीं है। करोड़ों लोग देख रहे हैं तो करोड़ों लोग डाउनलोड करेंगे आपको। अब अगर सबको बोला कि 200 रुपये दो, 200 रुपये नहीं देते लोग, पर 29 रुपीज़ तो देंगे ना। अभी समझो ये नेटफ्लिक्स के 15-20 लाख के आसपास कुछ होंगे सब्सक्राइबर्स जो दे रहे होंगे 200 रुपये। अब इसके क्या है, इसके 1-2 करोड़ लोगों ने भी 30 रुपये दे दिए तो बहुत हो गया ना इसके लिए, रेवेन्यू तो उसके जितना ही हो गया एकदम से। ऐसा खेल है। चलो आइए वापस, तो एसएम क्या है मुझे बताइए। एसएम बहुत ही आसान, आपको ऑलरेडी आता है। सबसे पहले क्या करो, विजन मिशन बनाओ, फिर क्या करो देन स्ट्रेटजिक एनालिसिस करो, ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ, क्रिएट चूज इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी, देन स्ट्रेटजी को क्या करना है आपको इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट करना है, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो उसमें करेक्टिव एडजस्टमेंट्स लेने हैं, बस वही चीज़ है। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बोलते हैं टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, टू आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स, एंड क्या बताए, टू गाइड द कंपनी थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। करेक्ट है बात, ये दो ऑब्जेक्टिव आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको याद है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे बैच के भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं और उनको हमने सब याद करवाया है, ठीक है। आगे अगला देखो, बहुत ही चिल्टू सवाल आपको ऑलरेडी आता है, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स क्या है बताओ, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एमबीए लीडरशिप। बेटा क्या आपको ऐसा फील आ रहा है क्या कि बैच में तो हमने इतनी बार पढ़ा ये चीज, मैं बीच बीच में रिवाइज भी करवा रहा, अभी यहाँ पे भी बार 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 वो चीज आ रही, तो आप समझो हम क्लास में ही एक्चुअली 5-6 बार तो क्लास भी कर ले रहे इसको, फिर तुम इसको अलग से 3-4 बार मिनिमम करोगे तो फिर तो याद होना ही है ना। मतलब बेटा तुम कितने भी बड़े ढोकले हो पर तुमको याद, मतलब आप समझ रहे ना बात, हम इतनी बार कर लिए इसको, अब इसको याद हो ही जाएगा तुमको, ऐसा आप समझ रहे ना बात, ऐसी बात। तो हमने बेटा प्लान ही ऐसा बनाया इस बार कि याद करवा के बैठेंगे तुमको, ऐसा आप समझ रहे हैं ना। चलिए डन है, अब भूलना मुश्किल है ना सर। रिवॉर्ड अनाउंस कर, रिवॉर्ड किस चीज का रिवॉर्ड भाई। चले आइए इधर, बोलते हैं स्ट्रेटेजी जो है जल्दी बताएंगे, कमोन अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाना है मुझे। बताया स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड क्या बताए पार्टली रिएक्टिव, यस और नो, क्या सही बात है क्या, क्या सही बात है मुझे बताइए। यस एब्सोल्युटली, क्या बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव होती है ना। अच्छा बेटा हम ना अभी बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट में नहीं जाने वाले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, तो प्रोएक्टिव क्या था कि कुछ होने से पहले ही हम पहले से ही प्लानिंग करके चलेंगे कि हम हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, हमारे मार्केट पोजिशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पहले से ही प्लान बना के चलेंगे, पहले से ही स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनाना। रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होता है कि एनवायरनमेंट में जब कोई चेंजेस होंगे, है ना, कोई ऐसा अनफोर्सिन अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स होंगे एनवायरनमेंट में, तो उसके हिसाब से हमारे स्ट्रेटजी में चेंज करना, इसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटजी होना। तो क्या हमारी जो स्ट्रेटजी है क्या वो सिर्फ प्रोएक्टिव होती है, बोले नहीं, आपको स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों बनानी पड़ेंगी। यस ऑब्वियसली प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब प्रोएक्टिव तो होना ही चाहिए लेकिन रिएक्टिव भी जरूरी है, ठीक है ना। तो रिएक्टिव स्ट्रेटजी इज ट्रिगर्ड व्हेन इट इज ट्रिगर्ड व्हेन देर आर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड्स वेज एंड मीन्स टू कोप विद द नेगेटिव फैक्टर्स और टेक एडवांटेज ऑफ एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। तो इसके बारे में हमने क्लासेस में भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको समरी लिखवाई थी। नेक्स्ट देन है डिफरेंशिएट बिटवीन विजन एंड मिशन। बेटा मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन को ना हमारे हैंड रिटन नोट्स में लिख लें, यहाँ पे कहीं पे आप स्टिकर नोट चिपका दो,
जैसे यहाँ पे ये विजन यहाँ पे चिपका दो स्टिकर नोट, यहाँ पे चिपका दो विजन के आसपास, या मिशन में यहाँ पे चिपका दो, अगर जहाँ पे भी चिपकाना है, या यहाँ पे चिपका दो स्टिकर नोट। पर ये विजन वर्सेस मिशन, इसका एक आप बना लो यार भाई, है ना? ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। आरटीपी में 2 बार है, मॉक टेस्ट पेपर में 1 बार है, ठीक है ना? और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी ऐसी बातें लिखी जो बुक में नहीं लिखी है, तो फिर इसका एक समरी मैं चाहूँगा कि आप बुक में ही बना लोगे अगर हमारे हैंड रिटन नोट्स में, तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? यस, एक बार प्लीज़ देखें तो ये पॉइंट्स को क्या है, अपने मिशन विजन आपको ऑलरेडी पता है, पर यहाँ पे एक बार पॉइंट्स बस देख लो, ठीक है ना? जल्दी कमल। बना लेंगे कि इसका समरी एक, तो देखो एग्जाम में पूछा ना विजन मिशन का डिफरेंस, तो पहले उसने दोनों का डिफरेंशियल लिख दिया। जैसे उन्होंने ये पॉइंट लिखा है ना, वैसे ही बाकी पॉइंट्स, मतलब जैसे ये पॉइंट्स लिखा ना ऐसे लिखना है। कभी भी याद रखे बेटा, मतलब वैसे तो पूरे सीए एग्जाम में ऐसे होता है, पर अभी फिलहाल मैं एसएम पढ़ा, तो सिर्फ एसएम की बात कर लेता हूँ। ये एसएम में कभी भी आपको डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस हमेशा इसी प्रकार से लिखा जाता है, आपको टेबल बनाने वाली हरकतें नहीं करते डिफरेंस में, ये याद रखें। ये आप अपने याद करने के लिए ऐसा टेबल बना लो, अभी आप समरी में ऐसा टेबल बना लो इसका कि भैया विजन में क्या क्या आएगा, मिशन में क्या क्या आएगा, लेकिन क्या बताइए, लेकिन जब एग्जाम आएगी तो उसमें इस तरीके से ही लिखना होता है कि विजन का मतलब क्या है, वाइल या वेर एज, मिशन में क्या होता है, विजन में क्या होता है, वेर एज मिशन में क्या होता है, ऐसा समझ में आया? तो चलिए देखेंगे। तो मिशन क्या बताता है, इट टेल्स द फंडामेंटल पर्पस, ये प्रेजेंट एक्टिविटीज के बारे में बताएगा, कस्टमर फोकस। एंड विजन क्या बताएगा, विजन विजन आपको क्या बताएगा, ये बताता है कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, ये फ्यूचर स्टेट ऑफ मतलब फ्यूचर के बारे में बताता है। इट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक ना? तो विजन क्या बताता है, ये फ्यूचर आइडेंटिटी आइडेंटिटी बताता है, पर मिशन अभी ऑनगोइंग, अभी हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटी, हमारे प्रेजेंट एक्टिविटीज, हम क्या है क्या करते हैं वो बताता है। बोलते हैं विजन स्टेटमेंट गैल्वनाइज द पीपल टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, समझ आ रहे हैं? बोलते हैं विजन स्टेटमेंट को पढ़ के लोगों में मोटिवेशन, याद है क्या हमने एक पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटजिक विजन, उसमें आता है कि विजन स्टेटमेंट पढ़ के लोगों में एंथुजियाज्म आना चाहिए, राइट? याद आ रहा है क्या? विजन स्टेटमेंट कैन गैल्वनाइज, मतलब विजन स्टेटमेंट को पढ़ के लोगों में क्या बताइए, मोटिवेट हो जाएंगे, वो एक्साइट हो जाएंगे कि यस हमें ये ऑब्जेक्टिव को, ये हमारे विजन को पूरा करना है ऐसा, ठीक है ना? और तो बोलते हैं एंड मिशन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ पाथ टू रियलाइज द विजन, तो मिशन जो है मिशन वो विजन के हिसाब से बनता है, ठीक है ना? बोलते हैं दीज स्टेटमेंट्स हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द बॉटम लाइन एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। विजन मिशन के हिसाब से तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट भी अफेक्ट होता है ना? यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये लाइन को ऐसा काट के सिंप्लीफाई कर दिया है कि विजन स्टेटमेंट्स हेल्प्स द या मोटिवेट्स द पीपल टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव इवन इफ दे स्ट्रेच ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडेड द विजन इज क्लियरली डिफाइंड। तो विजन इज स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रेलिवेंट टाइम बाउंड, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोवाइडेड विजन इज क्या बताइए, क्लियरली डिफाइंड, बस इतना लिख दो आप, है ना? क्योंकि स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, विजन नहीं होता वो, ठीक है? नेक्स्ट, देन विजन स्टेटमेंट क्या है, इट डिफाइंस पर्पस और द ब्रॉडर गोल, है ना, फॉर बीइंग इन एग्जिस्टेंस और इन द बिजनेस एंड कैन रिमेन द सेम फॉर डेकेड्स। तो किसी कंपनी का विजन सेम रह सकता है डेकेड्स तक, मैंने आपको बोला था डेकेड्स मतलब द एक एक डेकेड मतलब 10 साल। तो विजन ऐसा बनाओ जो सालों साल सेम ही रहे आपका, एज इन क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होता है उसका, कभी वो अचीव नहीं होता है, मतलब उसके लिए कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ती है ऐसा। एंड इफ क्राफ्टेड वेल तो वो लंबे समय तक रहेगा सेम। एंड अगर मिशन स्टेटमेंट क्या है, ये स्पेसिफिक होता है ज़्यादा, बोथ द फ्यूचर स्टेट एंड टाइम फ्रेम। मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट विल बी अचीव्ड इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो क्या होगा आपके साथ, जैसे हमने ना एक चीज पढ़ी थी कि व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, तो उसमें पॉइंट पढ़ते हैं टू स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि विजन जो है ये डिफाइन करता है पर्पस को, आपको समझा गया? ये प्रॉब्लम है,
इंस्टीट्यूट ऐसे गड़बड़ करता है, तो हम क्या करेंगे इसमें ताकि हम खुद कंफ्यूज ना हो जाए, ये पर्पस को काट दो यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा रहने दो कि विजन स्टेटमेंट डिफाइंस द ब्रॉडर गोल फॉर बीइंग इन एग्जिस्टेंस और इन द बिजनेस। तो पर्पस वाला शब्द यहाँ पे मत लिखो, क्योंकि वो हम किस में याद रखते हैं, मिशन में, कि मिशन बनाते हैं टू स्पेसिफाई द पर्पस। तो ऐसे मैंने आपको बीच में बोला था क्लासेस में भी कि ऐसा होगा कि कुछ लाइन्स आपको हर जगह भी दिखेंगी कॉमन, पर वो प्रैक्टिस से फिर आपको जमेगा सब, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसको काट दो बस, ऐसा लिखना कि विजन डिफाइंस द ब्रॉडर गोल फॉर बीइंग इन एग्जिस्टेंस, एंड मिशन क्या बताएगा, ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है फ्यूचर स्टेट के बारे में एंड टाइम फ्रेम के बारे में, क्योंकि हम विजन में टाइम फ्रेम नहीं बनाते हैं जनरली। हम ये नहीं बताते कि विजन को इतने समय में ही पूरा करना है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट, फिर कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस लेवल में फ़र्क बता दो, ये तो बहुत ही चिल्टू है। कॉर्पोरेट लेवल क्या है, इट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बोलते हैं डीलिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, एक्विजिशन, एलोकेशन रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी, है ना। तो अब ये सब लिखने के बदले आप क्या कर सकते हैं, पहले आप लिख दो कि इट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, देन ये सब मत लिखो, ठीक है ना, ये सब मत लिखो, अब ये सब मत लिखिए आप। इसमें कौन कौन आता है वो लिख देना, इसमें CEO आते हैं, इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं, हाँ। इनका रोल क्या है, टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, ये लिख सकते हो आप। और इनके वो रोल के बारे में लिख देना कौन सा, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग MBA लीडरशिप, बस इतना कर दिया तो चल जाएगा आपका काम। तो ये जबरदस्ती ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अपने को जो आता है ना वही चीज़ को बार बार फिर रिपीट करो ना, जबरदस्ती अभी ये नई लाइन इसमें घुसा दी इन्होंने। बात एक्चुअली इसमें भी वो यही वाली कर रहा है पर अलग तरीके से कर रहा है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं पर प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हाँ तो देखो आगे उसने दिया हुआ है वही चीज़, द रोल ऑफ ये रोल ऑफ CLM इज टू क्या, वही फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग MBA लीडरशिप। और बिजनेस लेवल क्या है, अब लिख सकते हैं इट कम्स बिलो कॉर्पोरेट लेवल या मिडिल लेवल है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज आर कोर्सेज ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच ऑफ इट्स बिजनेस सेपरेटली, ये लाइन जरूरी है। इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए बनाते हैं स्ट्रेटजी, टू सर्व आइडेंटिफाई कस्टमर ग्रुप एंड प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर बाय सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स। थोड़ा सा आप यहाँ पे BLM के बारे में और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखवाया है ये, एक बार इसको आप रीड कर लो, ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे बेटा एक दो मिनट दीजिए, मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है, एक दो मिनट दीजिए मुझे।
यस चलिए ओके, ये डन है बात, आइए डन है बात, बताइए। तो आप BLM के बारे में आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, चले आइए देन। ओके नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थ्री लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। सेम वही बेटा, फिर से वही लिखना है, CLM, BLM और FLM के बारे में। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया CLM, BLM, FLM में आप बता देंगे कि ये फंक्शनल स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जैसे प्रोडक्शन, HR, सेल्स, मार्केटिंग, ऐसा। इनका स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कन्फाइंड टू वन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। आपको पता है ये सेम लाइंस मैंने क्लास में लिखवाई है, देख लो आप, ये देखो द स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फाइंड टू वन। ये मेरा पॉइंट ये है कि हमने जो हैंड रिटन नोट्स में आपको क्लासेस में लिखवाए ना बेटा, आप विश्वास रखें इतना ही दनादन दनादन रिवाइज करना है, आपको एग्जाम में बेटा मजा आ जाएगा, मजा, समझे ना बात, एग्जाम में मजा आ जाएगा आपको। चलिए आगे, नेक्स्ट, अगली बार देखेंगे। इधर बोलते हैं बिजनेस कैन नॉट ऑलवेज प्लान ऑल द स्ट्रेटजीज इन एडवांस एंड ऑफन नीड टू ब्लेंड प्लान विद रिएक्टिव स्ट्रेटजी। क्या सही बात है, हम क्या सारी स्ट्रेटजी सारी पहले से ही प्लान कर सकते हैं, जरूरी है क्या? बोले नहीं, क्योंकि एनवायरमेंट डायनामिक है, हो सकता है ऐसे एनवायरमेंट में चेंजेस हो जाए जिससे हम क्या बताइए, जिसके हिसाब से हमें नई स्ट्रेटजी बनानी पड़े। तो ऑब्वियसली हम प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनाएंगे, लेकिन एनवायरनमेंट में चेंजेस हो जाएंगे तो फिर कुछ रिएक्टिव स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी, है ना? तो क्या है बताओ, यस अ बिजनेस कैन नॉट ऑलवेज प्लान ऑल द स्ट्रेटजीज इन एडवांस, उन्हें दोनों प्लान एंड रिएक्टिव, प्रोएक्टिव रिएक्टिव दोनों स्ट्रेटजी बनानी होती है। इसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट बताता है हु आर वी आर एंड वॉट वी डू, बताओ एक्सप्लेन करो। तो बस मिशन स्टेटमेंट के बारे में बताना है आपको, ये क्या करता है, मिशन स्टेटमेंट बताता है हु वी आर एंड वॉट वी डू। ये इट डिस्क्राइब्स क्या बताए, ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट ए बी सी प्रेजेंट एक्टिविटीज, प्रेजेंट एक्टिविटीज के बारे में बताता है, प्रेजेंट बिजनेस मेकअप के बारे में बताता है, प्रेजेंट केपेबिलिटीज एंड कस्टमर फोकस के बारे में बताता है। क्या मिशन स्टेटमेंट, राइट? इट स्टेट्स व्हाट कस्टमर इट सर्व्स, व्हाट नीड इट सैटिस्फाइज एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इट ऑफर्स। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू सेट इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फोसिस, इट एम्पलीफाइज वॉट ब्रिंग्स द ऑर्गेनाइजेशन टू दिस बिजनेस एंड वाई इट इज देयर, वॉट एग्जिस्टेंट इट सीक्स, वॉट पर्पज इट सीक्स, है ना? तो इससे पर्पज वाला लाइन इसी में आना चाहिए। वैसे पर्पज किस में आता है, पर्पज बताता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंट, और इंटेंट का ही ये एलिमेंट्स है सब, विजन मिशन वगैरह, ठीक है ना? इन अदर वर्ड्स मिशन सर्व्स एज अ जस्टिफिकेशन फॉर द फर्म्स वेरी प्रेजेंस एंड लेजिटिमाइजेस द फर्म्स प्रेजेंस। देखो ये सेम चीज मैंने यहाँ पे भी लिखवाई आपको क्लास में, मिशन में, ये सेम चीज हमने मिशन में लिखी हुई है। तो ये तो हमने इनिशियली पढ़ा ये चीज, ठीक है ना? अभी यहाँ पे उसने फिर थोड़ा थोड़ा क्या किया है, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ गुड मिशन स्टेटमेंट होता है ना, ये थोड़ी सी चीजें यहाँ से यूज करके यहाँ पे आंसर में डाल दी है। तो थोड़ा सा ना इसमें आपको और एक दो लाइन एक्स्ट्रा की मिल जाएगी लिखने के लिए, इसको थोड़ा सा आप रीड करें अच्छे से। इसमें आपको जैसे लगता है कि कोई हम लाइन और ऐड कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स में, तो आप कर देना ऐड, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये जो है ना यहाँ पे, ये इनिशियल जो चीज़ लिखने मिशन के बारे में, तो यहाँ पे स्टिक नोट चिपका के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ के कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें ऐड कर सकते हो ये वाला पॉइंट, जैसे कि आप इसमें ऐड कर सकते हो ये वाला पॉइंट, है ना? ये स्पेशल आइडेंटिटी बिजनेस एम्फोसिस, ये तो हम ऑलरेडी कहाँ पे वो गुड क्या बताइए, गुड मिशन स्टेटमेंट वाले से उठाए उसको। तो ये दो लाइन आप ना एडिशनल ऐड कर दो, ये दो लाइन जो है ना ये एडिशनल ऐड कर दो वहां पे हमारे समरी में, ठीक है ना? वैसे देखा जाए ना, ये एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ एम्बिशन, ये देखो जो यहाँ पे से लिखा ना, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ एम्बिशन, वो भी एक्चुअली मेरे बुक में दिया है, पर वो नीचे हमने दिया है एमसीक्यू के लिए, राइट? फिर ये व्हाट कस्टमर इट सर्व्स, व्हाट नीड इट सैटिस्फाई, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इट ऑफर्स, ये एक एक्स्ट्रा लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो
अभी आप क्या करना कि हमारे कंपाइलर के हिसाब से अगर आपको इसमें कुछ ऐसी एडिशनल लाइंस दिखती है, वैसे चांसेस कम है, पर फिर भी अगर ऐसा कुछ लगता है आपको कि यार ये तो एक ऐसी लाइन है जो हम भी एग्जाम में आंसर में लिख सकते हैं, तो उसको रेलेवेंट टॉपिक के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा और नोट कर लेना। मतलब अब क्या करो ना आप, जो हमने हमारे बैचेस में आपको जैसे रेगुलर बैच में तो एसएम शास्त्र भी मैंने दिया, जो डिटेल बुक है उसको एक बार पूरा रीड कर लेना है। फिर आपको अब ये बस हैंड रिटन नोट्स को ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बना लो आप, ठीक है ना। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये नहीं है कि हर एक शब्द लिख दिया, ऐसा नहीं। आंसर्स को देखो, एसएम कंपाइलर को देखो, उसके हिसाब से इसको अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे एक दो लाइन ऐड करने की जरूरत है तो आप पे कर देने का, और फिर उसको रिवाइज वापस 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 करते रहो, बस यही तरीका है। चलिए आगे, नेक्स्ट बोलते हैं विजन क्या होता है। यार ये अब आपको ऑलरेडी पता है, आई होप, अब मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। विजन क्या होता है आपको मालूम है, ठीक है ना। एसेंशियल्स ऑफ अ विजन, इसका भी ट्रिक बताया मैंने, सीड याद है। एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, सीड। थिंक क्रिएटिवली, इट इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इट शुड क्रिएट एंथुजियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इल्यूमिनेट द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। देन आगे, देन यमी एंड टेस्टी फूड, क्या ये हमने ऑलरेडी स्टडी मेटल में किया था क्या, सवाल बताइए, कम ऑन, क्या ये ऑलरेडी हमने स्टडी मेटल में सवाल किया हुआ है, यस और नो मुझे बताइए। बोलते हैं यमी फूड टेस्टी फूड क्या है, ये दे आर सक्सेसफुली कंपीटिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना। तो यमी क्या है, यमी है पायनियर। पायनियर मतलब जो पहली बार कोई चीज, मतलब जो हमेशा इनिशिएट करता है, खुद से पहली बार कोई चीज़ करता है, उसको बोलते हैं पायनियर। इट इज पायनियर इन क्या, इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। कौन, यमी। यमी हमेशा नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते रहता है, लेकिन बेटा, लेकिन यहाँ पे जो टेस्टी है वो क्या करता है, वो सिर्फ कॉपी करता धनाधन। बोलते हैं जैसे ही यमी कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करता है ना, उसके जैसा कॉपी करके टेस्टी फूड भी प्रोडक्ट बना लेता है। तो अब आप ये बताइए हमें कि दोनों कौन सा स्ट्रैटेजिक अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको जवाब देना है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव के नजरिए से। अब ये कैसे आपको समझ में आएगा, अगेन प्रैक्टिस करने से। तो यहाँ पे जैसे हमने सवाल किया, आप क्या समझ में आ रहे हैं इससे, कि यमी खुद से होके नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब वो प्रोएक्टिव है। एंड टेस्टी क्या कर रहा है, जैसे ही यमी ने कुछ किया उसको कॉपी कर रहा है, मतलब टेस्टी रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यमी जो है वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, और टेस्टी जो है वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। उसके बारे में फिर दो तीन लाइन लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर। तो यहाँ पे हमने आपको नहीं जो क्लास में ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के बारे में जो लिखवाया है, सेम वही चीज लिख के आ जानी है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स, आई आई यहाँ पे बेटा ये गड़बड़ के इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हमने जो आंसर्स है ना बेटा, वो आईसीए के हिसाब से दिए हैं, ये गलत लिखा है, इसको ठीक करो। यहाँ पे होना चाहिए गोल्स, गोल्स आर ओपन एंडेड एंड डिनोट फ्यूचर स्टेट एंड आउटकम, एंड यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्टिव्स। बताओ, इंस्टीट्यूट खुद ही भूल गया, यहाँ पे क्या करना है आपको बताइए। यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव्स, तो ठीक कर लो भाई। हाँ, इसको प्लीज ठीक कर ले, ठीक है ना। हाँ, बोलते हैं गोल्स आर मोर स्पेसिफिक, गलत लिखा है। ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक एंड ट्रांसलेट गोल्स टू शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑब्जेक्टिव्स, द परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। ये सही है लाइन, दे प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर। एंडेवर मतलब एफर्ट, ये भी सही है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज आर डिजाइन एंड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अराउंड द ऑब्जेक्टिव्स, ये भी सही है। द एक्ट एज बेंच मार्क, ऑब्जेक्टिव एक्ट एज बेंच मार्क फॉर गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, ये भी सही है। तो दे एक्ट एज बेंच मार्क मतलब ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लिखा है उससे अच्छा क्या बताइए, हमने जो आपको क्लास में लिखा है ना वो करो भाई, ये जो हमने लिखा है ना ऐसे लिख दो आप बस, ठीक है ना। हाँ, इसको
प्लीज ठीक कर लेंगे इसको, इस चीज को, ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट मुझे बताइए, फॉर अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर विजन एंड मिशन आर इररिलेवेंट, है ना, छोटी कंपनी है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत है अपने को है विजन मिशन की, बताओ तो, ऐसा जरूर ऐसा होता क्या, छोटी कंपनी तो विजन मिशन का एक होना है, बताइए तो जरा सा। बोले देखो वैसे देखा जाए ना तो लॉ में अपने को नहीं बोला कुछ भी, वैसे देखा जाए तो लॉ में हमको बोला नहीं है कि विजन मिशन बनाना पड़ेगा। कोई कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन पढ़ते क्या वैसा, सी इंटर फाइनल में या फाउंडेशन में पढ़ा आपने कभी ऐसा कि कंपनी को विजन बनाना है, ऐसा कोई सेक्शन में दिया नहीं, वैसे लॉ में नहीं दिया है, लेकिन बोलते हैं SM लगाना है, अगर तुमको बिजनेस में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर लगाना है, इसको अप्लाई करना है, तो SM को लगाने का पहला स्टेप ही होता है डेवलपिंग विजन मिशन। तो चाहे छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो, हर एक कंपनी को क्या बताइए, हर एक कंपनी को क्या बताइए जो है विजन मिशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत होती है, मतलब बनाना चाहिए, है ना। यस, तो इवन एंटरप्रेन्योर विद स्मॉल बिजनेस कैन हैव कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट, है ना, तो उनका भी एनवायरमेंट कॉम्प्लिकेट हो सकता है ना, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसलिए हमें विजन मिशन बनाना जरूरी है। तो इन ऑर्डर टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, इन ऑर्डर टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, प्रॉस्पर मतलब सक्सेसफुल होने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए आपको क्लियर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स आपके होने चाहिए। धन्यवाद, आगे बोलते हैं सर छोटे लोग हैं तो क्या खाना छोड़ देंगे, अरे 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 भाई साहब, अरे अरे एकदम एकदम दिल पे दे दिया है तो, है ना। चलो हाँ सर, हाँ बोल रहे हैं सर इसमें ना सब चीज़ ऐसा पैरा में दी है सर, क्या हम इसको ऐसा बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, कोई वो नहीं है ना। हाँ एक्चुअली क्या था कि इंस्टीट्यूट ने सब पैरा में ही लिखा है, पर अभी ना हमारी, मैं जब ये बुक बना रहा था ना तो उस समय पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि बुक जल्दी बन जाए और मैं आप तक पहुँचा दूँ बुक्स को, तो इसलिए हमने इसको बुलेट पॉइंट में किया नहीं है। वरना मैं जनरली, आप मेरे कोई भी चीज़ देखो, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको, देखो सब चीज़ें एकदम बुलेट पॉइंट्स में दी हुई, तो मैं खुद से ही सब बुलेट पॉइंट में कर देता हूँ वैसे तो, पर यहाँ पे ना एक्चुअली जब मैं SM कंपनी बना रहा था ना तो ऑलरेडी मैं बहुत सारी बुक्स तब बना रहा था, तो मेरा इसमें इम्पोर्टेंट ये था मेरे लिए कि भाई मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक जगह पे कम से कम पहले दे दूँ, क्योंकि अगर मैं ये बुलेट पॉइंट बनाने में चले जाता अगर हर चैप्टर का, तो फिर बुक लॉन्च ही नहीं कर पाते, आप तक बुक पहुँच ही नहीं पाती, फिर बैच खत्म हो जाती, फिर बुक मिलती, बोला भाई तो अभी पहले इसने हमने इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दिया कि पहले क्या करें, पहले बच्चों को बुक मिल जाए, सारे क्वेश्चंस तो मिल जाए कम से कम, राइट। और इसलिए मैं ये कंडक्ट कर रहा हूँ सेशन अभी, ताकि मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मार्क करवा सकूँ, जैसे मैं बीच बीच में नहीं ऐसा देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, वरना आप मेरे कोई भी बुक में देखो ऐसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वैसे ऑलरेडी हाईलाइटेड होते हैं, तो वो भी चीज़ इसमें मैंने नहीं की है। उसका रीज़न ये है कि मैं इसलिए मैं अभी सेशन लेके आपको बता रहा हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ बोलते सर फिर नहीं नहीं बात इसमें अब क्या ना बेटा, एक पॉइंट के बाद क्लोजिंग स्टॉक का टेंशन नहीं होता है, एक लेवल पे आने के बाद अब इसका टेंशन नहीं होता कि बुक कोई खरीदेगा या नहीं, प्रॉब्लम उसका नहीं है। अब प्रॉब्लम इस चीज़ का होता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बुक से आपको हेल्प मिलनी चाहिए, तो मेरी बुक आप तक जल्दी जितने जल्दी पहुँचेगी है ना उतना आपको हेल्प होती है। चले आएंगे वापस, हाँ चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इधर आइए, ये डने बात इधर आओ। नेक्स्ट अगला क्या है, बोलते हैं मिस्टर राज इस वर्ड बताइए, मिस्टर राज हैज़ बीन हायर्ड एज अ CEO बाय XYZ लिमिटेड, है ना, FMCG कंपनी दैट हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स। अरे ये तो किया हुआ है कॉस्मेटिक, ठीक है ना, हाँ नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है संकल्प, तो फिर आपकी कैरिंग कॉस्ट लगती है। अरे नहीं भाई क्या है ना, वो इनिशियल इनिशियल जब चालू करता ना तो वैसा होता है, अब एक पॉइंट के बाद क्या बताइए, बस प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, तो और मैं चाहता हूँ कि मेरे बुक्स जो है वो ज़बरदस्त है, आपको हेल्प मिले उससे बस। बोलते सर रिकॉर्डेड लग रहा है ये, हाँ जब मैं अपलोड करूंगा बाद में तो रिकॉर्डेड ही लगेगा, है ना, अभी बस मैं लाइव हूँ। चलिए इधर आइए, नेक्स्ट इधर देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए मिस्टर राज हैज बीन हायर्ड, हाँ अच्छा मैं समझाता हूँ, एक्चुअली क्या है, हम अभी दो बैचेस में अलग अलग लाइव है, तो इसलिए क्या है ना
एक बैच के बच्चों को दूसरे बैच के बच्चों का लाइव चैट नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ बच्चों को लगेगा कि यार ये तो रिकॉर्डेड चल रहा है, किससे बात कर रहे हैं, हमको तो दिख नहीं रहे यहाँ पे चैट्स, है ना। मुझे यहाँ पे सबके दिख रहे ना चैट, लेकिन ठीक है चलिए मैं बताऊंगा आपको भी, चैट भी अभी बताऊंगा बीच में। चलो इधर आइए, ये डन है क्या? तो मिस्टर राज जो है कॉस्मेटिक ब्रांड्स में है, अच्छा FMCG में है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। और अब क्या बताइए, ये कॉस्मेटिक ब्रांड में जाना चाहते हैं। द कंपनी इंटेंस टू लॉन्च फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स। आपको इसका क्या बनाना है, याद करो विजन मिशन है ना, फील गुड ब्रांड। अगेन विजन के बारे में एक दो लाइन लिखने का, मिशन के बारे में, और फिर डायरेक्ट विजन लिख के बताना है अपने को, ठीक है ना। अनुज भाई एक बार फिर से डाल दो ना यार, एक्चुअली क्या है ना अभी बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे हो जा रहे हैं, एक बार प्लीज़ फिर से आप कर दीजिए मैसेज अगर आपको कोई डाउट है तो। यस हाँ इधर आइए। तो अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखिए अभी तो क्या लिखा है, बोलते हैं विजन क्या बनाया है फील गुड का, बोलते हैं कि ये इंडिया का ब्यूटी केयर कंपनी बनना चाहता है। इट मे हैव अ विजन टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी। अब देखो कि हम, प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है मुझे बता रहा हूँ, रुक जाइए पहले ये सुन लो अभी, ठीक है। बोलते हैं कि ये इंडिया का क्या ब्यूटी केयर कंपनी बनना चाहता है, इंडिया की लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी बनना चाहता है, विच इम्प्रूव लुक्स, गिव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू पीपल, है ना। तो क्या हम यहाँ पे जैसे इंडिया लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, इंडिया लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी, इंडिया लार्जेस्ट कार कंपनी, मतलब क्या ये जो लाइन है हम बाकी भी कंपनीज के विजन में इसको यूज कर सकते हैं क्या? आपको याद है मैंने अभी आपको समझाया, तो कुछ ऐसे शब्द उठा लो उसमें से जो आप फिर एक जनरल बाकी का प्रकार के कंपनीज में भी लिख सको। अरे यार हेलो, ये समझ मारी बातें क्या बोल रहा हूँ, यस नो? हाँ आगे बोलते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं तो ये हो गया आपका क्या बताइए विजन, और मिशन में क्या दिया है, इट मे आइडेंटिफाइज मिशन सच एज टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो देखो बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, और क्यों हम क्यों आए इसमें कॉस्मेटिक के बिजनेस में, टू एनहेंस द लाइफ ऑफ पीपल एंड गिव देम कॉन्फिडेंस टू लिव, टू प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम हार्मफुल एलिमेंट्स, प्रोड्यूस हर्बल कॉस्मेटिक्स यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट। अब देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है वो चीज़ कि हम हर्बल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे, तो उसने हर्बल इंग्रेडिएंट्स वाले पॉइंट के साथ क्या कर दिया, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शब्द लिख दिया, हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाएंगे करके ऐसा। तो थोड़ा सा ट्विक किया है और हल्का सा दो तीन लाइन ऐड की है, जो क्वेश्चन में दिया है ना वही चीज़ को यूज़ करके विजन मिशन बना दिया है। तो हमने विजन मिशन बनाने वाले भी तीन चार क्वेश्चन, अराउंड 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो उसको ही बार बार करके आपको कोई दूसरे प्रकार का क्वेश्चन भी आप कर लोगे, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बोलते हैं, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, व्हाट आर द टास्क परफॉर्म्ड बाय अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर। तो यहां पे देखिए, अब क्या है ना बेटा, ये जो हमारा पॉइंट है ना, अब सुनना यहां पे लिख देता हूँ, लिख दे रहा हूँ, दिस इज नॉट इन सिलेबस यार, अदर मुझे लिखना चाहिए जो इतना पार्ट है ना यहाँ पे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, ये हमारे करंट हमारे नए स्टडी मटेरियल में ये लाइन्स हमें दी नहीं है, तो इसको बस एक बार आप रीड करके रख लेंगे। तो मैंने ये सवाल इसलिए डाला है क्योंकि बेटा द टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्ट्रेटेजिक मैनेजर, वो देखो क्या है, मिशन एंड गोल डिफाइन करना, व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज, प्रोवाइडिंग लीडरशिप। क्या हो गया ये इसने रोल लिखा है ऑफ CLM, मतलब ये सवाल मैंने इसलिए डलवाए हैं कि समझो अगर आपको ऐसा बोला, समझो अगर आपको बोला कि भैया व्हाट आर द टास्क परफॉर्म बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजर, मतलब वो आपको CLM का रोल पूछ रहा है बस, और बाकी ये जो लाइंस है ना ये पहले पुराने सिलेबस में होंगे ये लाइंस, इसको बस आप एक बार रीड करके रख ले बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस पे सवाल पूछने के चांसेस बहुत कम है इस चीज पे, तो इसको सिर्फ रीड करके रखे, क्या पता गलती से आ गया। तो मैंने ऐसे भी कुछ सवाल डाल दिए, तो मैं अभी आपको बता दे रहूंगा ठीक है। आगे नेक्स्ट, फिर है मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स,
डेवलप स्ट्रेटेजी, ये भी मैंने आपको बता दिया, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, ये ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। ये एग्जाम में आया हुआ था, देखो PYQ May 23। आगे बढ़े कमल, ओ हो प्लीज इसको रीड करो एक बार जल्दी से, मैं तब तक जो है ना, हाँ मैं अनुज भाई का एक सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 11 में कि सर इसमें कितने मार्क्स का आएगा, ऐसा कुछ पूछ रहे थे क्या, ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स मिलने का स्कोप कैसा होता है। मुझे ऐसा लगता है बेटा कि इस ऐसे सवालों में ना आपको एक्चुअली फुल मार्क्स स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, तो मुझे लगता है कि ये मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मार्क्स का सवाल आएगा, और समझो अगर 4 मार्क्स का भी आता है एग्जाम्पल तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट अपन सेम विजन मिशन लिखते हैं इसके चांसेस कंपेरेटिवली कम होते हैं, जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है एग्जैक्ट वैसा लिखे, पर ऑब्वियसली विजन होता क्या है वो तो हम सही लिख सकते हैं, मिशन होता क्या वो लिख सकते हैं, और कम से इसमें कम से कम एक दो लाइन तो लिख ही सकते हैं, तो इसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस कंपेरेटिवली कम होते हैं। ओके क्लियर है, अब इतना तो अपने को लेके चलना पड़ता है। चलिए आइए इधर, तो कमल आइए, कमल देखेंगे, हाँ पहले देखिए बेटा विवेक भाई, इसके बाद आपका डाउट भी लेता हूँ। चलिए रीड किया क्वेश्चन, जल्दी रीड करें, कम ऑन रीड करो क्वेश्चन फास्ट। बताइए, बोलते हैं कमल स्वीट्स कॉर्नर क्या है, ये वेरी पॉपुलर स्वीट शॉप है रांची में, इट वॉज फेसिंग टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम ब्रांडेड स्टोर्स ऑफ पैकेज स्वीट्स, द ओनर रियलाइज दैट द बिजनेस रिड्यूस्ड बाय 50% इन द लास्ट 6 मंथ्स एंड दिस क्रिएटेड स्ट्रेसफुल बिजनेस एनवायरमेंट फॉर देम। तो इसके लिए सोल्यूशन निकाला इन्होंने कैसे, वो एक बिजनेस कंसल्टेंट को उन्होंने कंसल्ट किया, उनको बोला भाई स्ट्रेटजी बनाओ ताकि हमारा ये जो सेंचुरी ओल्ड, हमारा 100 साल पुराना जो ये हमारा फैमिली बिजनेस है ये सस्टेन कर सके, लंबे समय तक चल सके, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाओ। कंसल्टेंट ने बोला कि प्लीज़ आप क्या करो, आप इनोवेट करो अभी ऑफ अ न्यूज फॉर अ न्यू स्नैक फॉर द पब्लिक एंड मार्केट डेटा हैज़ अ ट्रेडिशनल स्नैक ऑफ द रीजन। तो बोले तुम एक काम करो, तुम जो है ना एक नया प्रकार का स्नैक बनाओ, कोई आइटम बनाओ मस्त नमकीन, और उसको ऐसा मार्केट करो कि रांची का 100 साल पुराना ट्रेडिशन जो है आपको उसका फील आएगा इस स्नैक में ऐसा। द ओनर्स लाइक द आइडिया एंड डेवलप्ड अ न्यू स्नैक कॉल्ड दही समोसा विच वेरी क्विकली बिकम पॉपुलर अमंग्स द पब्लिक एंड इट हेल्प टू रीगेन द लॉस्ट बिजनेस ऑफ कमल स्वीट्स, ठीक है ना। वन ऑफ द वेरी क्रूशल इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट वॉज यूज बाय बिजनेस कंसल्टेंट टू हेल्प द ओनर्स ऑफ कमल, विच पॉइंट कुड इट बी, ऑल्सो वॉज दिस स्ट्रेटजी रिएक्टिव और प्रोएक्टिव अकॉर्डिंग टू यू, हु आर मोर बेनिफिशियल इन जनरल पार्लेंस बताओ, मतलब कि जनरली कौन से प्रकार की स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ऐसा पूछा, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि हमें ये बताइए कि वन ऑफ द वेरी क्रूशल इंपॉर्टेंस ऑफ SM वॉज यूज बाय द बिजनेस कंसल्टेंट, तो SM का हमने जो इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें क्या बताइए, इंपॉर्टेंस वाले जो पॉइंट्स हम पढ़ते हैं उसका एक बहुत ही मतलब उसका एक पॉइंट यूज किया यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट ने, कौन सा है कि हमें प्रोएक्टिव रहना जरूरी है रादर देन बीइंग रिएक्टिव, ठीक है ना। देखिए बोलते द स्ट्रेटेजी डेवलप्ड, द स्ट्रेटेजी यूज हियर वाज डेवलपिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाया प्रोडक्ट विच हेल्प कमल स्वीट्स कॉर्नर रीगेन द लॉस्ट बिजनेस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंस कम एडवांटेज ऑफ SM दैट इट हेल्प्स टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज। तो हमारा जो कोर कंपटेंसी डेवलप करने वाला जो एडवांटेज होता है SM का वो यहाँ पे यूज़ किया है। और एक चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बताइए, कि हमें यहाँ पे प्रोएक्टिव रहना सिखाता है,
लेकिन यहाँ पे हमने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है? बोलते हैं हमने यहाँ पे बेटा अपनाई है कौन सी, बताइए, रीएक्टिव स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले फिर से सुनिए सवाल का, पहले सवाल क्या समझो, सवाल ये है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंस है उसमें से कौन सा पॉइंट यूज़ किया है स्ट्रेटजिक कंसल्टेंट ने, है ना? तो कौन सा यूज़ किया पॉइंट उसने यूज़ किया है, डेवलपिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को डेवलप करने का मतलब क्या है? मतलब बेटा कुछ ऐसी चीज़ करो मार्केट में जिससे तुम तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सको, जिससे तुम कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सको मार्केट में। इसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करना। तो क्या SM हेल्प्स? याद करो कि हम फेसबुक पे फ्रेम वाली DP क्यों लगाते हैं, तो जो दो सी थे उसमें पहला होता है कि SM एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरा क्या होता है कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं SM को टू डेवलप अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ऐसा के प्रोडक्ट लॉन्च करो जिससे मार्केट में क्या बताए तुम तुम्हारे कॉम्पिटेंस को हरा सको, से आगे बढ़ सको, ऐसा। तो वो यहाँ पे यूज़ किया है। एंड यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है कमल स्वीट वाला? वो यूज़ कर रहा है रिएक्टिव स्ट्रेटजी। सर क्यों रिएक्टिव क्यों है ये? क्योंकि बेटा जब जब क्या बताइए, जब ऐसा स्ट्रेसफुल बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, जब इसके लिए, जब कमल वाले के लिए जब जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब इसको झेपा कि अब कुछ करना पड़ेगा। उसने पहले से दही समोसा चालू नहीं किया, उसने दही समोसा कब चालू किया? कुछ गड़बड़ होने के बाद उसने दही समोसा चालू किया है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए उसने रिएक्ट किया है ऐसा, ठीक है ना? तो इसलिए क्या है बताओ, देखो क्या लिखा है। इट इज अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी वेर इन द ओनर सॉ देयर बिजनेस फॉल टू 50% रेवेन्यू। तो जब रेवेन्यू गिरा 50% से हमारा, जब हमको दिखा कि बाकी पैकेज फूड वाले आगे बढ़ रहे हैं, तब हमने किया। दे डिड नॉट प्लान प्रोएक्टिवली एज टू वेन द न्यू शॉप्स वर ऑलरेडी ओपनिंग। जब जब पैकेज फूड वाले जो ब्रांडेड दुकानें थी जब वो चालू हो रही थी, तब तुमने तब पहले से कुछ करके नहीं रखा तुमने। जब वो दुकान चालू हो गई दूसरी, दूसरे लोगों का काम क्या बताइए दनादन बढ़ना चालू हो गया, तुम्हारा सेल जब गिरा तब तुमको झेपा कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है ये रिएक्टिव या प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। अब आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हेलो, आगे बोलते सर समोसा खाने का मन कर रहा है, ठीक है। दे रिएक्टेड ओनली वेन द बिजनेस स्टार्टेड टू लूज अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो बोलते हैं जनरली क्या बोल रहे हैं कि इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू डेवलप स्ट्रेटेजीज प्रो एक्टिवली सो दैट द डिप इन द बिजनेस इज स्मॉल एंड मैनेजेबल। तो बोलते हैं हमें वैसे तो हमेशा प्रो एक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ज़्यादातर, राइट? ताकि हमें ज़्यादा बिजनेस में डिप, ज़्यादा लॉस ना झेलना पड़े, है ना? तो इसलिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है ना? तो अगर हम बोले कि इन जनरल पार्लांस, मतलब वैसे देखा जाए तो कौन से प्रकार की स्ट्रेटेजी हमें ज़्यादा बनानी चाहिए, बोले प्रो एक्टिव ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ऑब्वियसली जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे तो फिर रिएक्टिव बनानी पड़ती है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना? चलिए आगे नेक्स्ट बोलते हैं। इमेजिन 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 करो, बस 35 क्वेश्चन है, ठीक है ना? फिर हमें MCU करना है। ये आज ही बेटा ये कॉम्प्रिहेंसिव सेशन पूरा रहने वाला है, आज हमको पूरा कंपलर हम खत्म करेंगे चैप्टर 1 का, ठीक है ना? हाँ, तो चाहे तो कोई बाद में रिकॉर्डेड देखना चाहे तो वैसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फिर से वही पूछ रहे हैं, सब पेपर में पैराग्राफ में लिखेंगे, बुलेट पॉइंट में लिखें? आपको बोल तो रहा हूँ बेटा ये बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलिए आगे। वैसे ये जो है ये बुलेट पॉइंट वाला क्वेश्चन है ही नहीं वैसे, है ना? पर फिर भी आप लिख सकते हैं अलग अलग ऐसा, ठीक है? अच्छा ये डन है बात। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बच्चा बोल रहा था सर बिजनेस मेकअप क्या होता है, ठीक है ना? हाँ, तो अगर आपका कोई बेटा क्लास होगा जा सकता है बेटा, ठीक है? अगर आपका कोई दूसरा क्लास होगा तो आप जा सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं आप, ठीक है ना? क्योंकि हमें बेटा कंप्लीट आज तो करना है, इसी सेशन में कंप्लीट करना है, ठीक है? चलिए हम डिस्क्रिप्टिव तो खत्म हो ही जाएगा, उसके पहले MCQ हमारे बचेंगे, तो वो फिर आप बाद में अलग से कर सकते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर आइए। चलिए तो अब यहाँ पे देखेंगे अगला, देखिए। चलिए, इमेजिन यू आर अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट एडवाइजिंग रिटेल कंपनी दैट इज फेसिंग इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स। ओके, तो एक रिटेल कंपनी है जिससे क्या बताइए, जिसको बहुत कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है, किसकी वजह से? ऑनलाइन रिटेलर्स की वजह से। बोलते हैं द कंपनी इज कंसिडरिंग सेवरल स्ट्रेटेजिक ऑप्शन टू इम्प्रूव इट्स मार्केट पोजिशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। एक्सप्लेन हाउ द कंपनी कैन डेवलप अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एड्रेस दिस चैलेंज। तो बोलते हैं कि हम एक एक रिटेल कंपनी है, ठीक है ना?
एक हमारी समझो ग्रॉसरी किराने की शॉप है, पर आजकल ऑनलाइन बहुत बढ़ चुका है, लोग ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ऑर्डर कर लेते हैं। या समझो हमारे कपड़े की दुकान है, पर आजकल क्या मिंत्रा, हाँ फिर वो क्या जियो, कौन सा है अरे वो आजियो बोलते हैं, ऑनलाइन बहुत आजकल बढ़ चुका है, तो फिर लोग हमारी दुकान में आ नहीं रहे, तो अब हमें क्या करना चाहिए ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव के नज़रे से बताना है। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है, देखिए। हाँ चलिए इधर आइए, देखो क्या लिखा है। बोलते हैं द रिटेल कंपनी कैन डेवलप अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच इन विच इज दैट इज बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव टू एड्रेस द चैलेंज। कैसे देखते हैं, पहला द कंपनी कैन प्रोएक्टिवली एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोथ। जैसे अब देखो अपने मन से इसने दिया है, बोलते इट कैन इन्वेस्ट इन मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड वॉट कस्टमर्स वैल्यू इन अ रिटेल एक्सपीरियंस एंड टेलर इट्स ऑफरिंग टू मीट दोज नीड्स। बोलते आप देखो कि क्या बताइए, आप जो है ना बेटा इस चीज़ में पैसा डालो, किस चीज़ में, मार्केट के रिसर्च में, आप ये जानने की कोशिश करो खुद से होके। बोलते ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी तुम्हारी, तुम खुद से होके जानने की कोशिश करो कि कस्टमर्स को एग्जैक्टली चाहिए क्या, किस चीज़ को वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को आप क्या टेलर कर सकते हो, उसको क्या बताइए चेंज कर सकते हो, ऐसा ठीक है ना, अडेप्ट कर सकते हो। बोलते हैं दिस प्रोएक्टिव अप्रोच कैन हेल्प द कंपनी टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिशन। तो क्या बोला उसने, प्रोएक्टिव में क्या करना है, बोले खुद से ही होके तुम मार्केट ट्रेंड्स को, कस्टमर प्रेफरेंसेस को खुद से ही होके एनालाइज करो और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करो। रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है यहाँ पे, द कंपनी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द मार्केट एनवायरमेंट। जैसे जैसे ही बेटा उनको पता चलता है कि कॉम्प्यूटर, इफ अ कॉम्प्यूटर लॉन्चेस अ न्यू ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म द कंपनी शुड क्विकली असेस द इम्पैक्ट ऑन इट्स ओन बिजनेस एंड डेवलप अ रिस्पॉन्स। दिस रिएक्टिव स्ट्रेटजी कैन हेल्प कंपनी टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिवनेस। भले यहाँ पे उसने बताया नहीं कि करना क्या एग्जैक्टली, उसने सिर्फ इतना बोला कि तुमको रिएक्टिव स्ट्रेटजी भी अपनानी पड़ेगी। जैसे ही अगर तुम्हारा कोई कंप्यूटर ऑनलाइन कुछ चालू करता है काम, तो उसके वजह से तुम्हारे बिजनेस पे कितना असर पड़ेगा वो एक एनालिसिस कर लो, और उसके हिसाब से कुछ रेलेवेंट तुमको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बस इतना लिखा है। हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि समझो तुम्हारे किसी कंप्यूटर ने ऑनलाइन चालू किया, तो तुम भी ऑनलाइन चालू कर सकते हो, तुम भी अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो या वेबसाइट बना सकते हो और ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऐसा कर सकते हैं। ये समझ पा रही बात है। हाँ तो यहाँ पे उसने बताया है एग्जैक्टली करना क्या है, यहाँ पे बताया नहीं एक्चुअली क्या करना है, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि तुम्हारा अगर कंप्यूटर ऑनलाइन जाता है तो तुम भी ऑनलाइन जा सकते हो, ऐसा समझ में आ रही बात है। तो बोलते हैं प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं इस केस में। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये लेटेस्ट MTV में आया था। ठीक है, ये देखो ये नवंबर 23 के एग्जाम में आया हुआ है, मतलब वैसे देखा जाए तो ओल्ड सिलेबस का सवाल है, फिर भी देख लीजिए। चलिए, बोलते हैं स्वागतम सुस्वागतम वॉज अ चेन ऑफ होटल्स, द बिजनेस वॉज गुड अंटिल द होल नेशन वॉज इम्पैक्टेड बाई COVID-19 पैंडमिक इन अर्ली 2022। वाह, एकदम कोरोना वाला सवाल है, मतलब वाह मतलब लेटेस्ट वाला, ऐसा ठीक है ना, कोरोना वाह नहीं है। मैनेजमेंट सुन अंडरस्टूड दैट पैंडमिक हैज सीरियसली डिसरप्टेड द होटल सेक्टर एंड एवरेज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम फेल बाय नियरली 90%। दे एक्सपेक्टेड दिस डिक्लाइन टू कंटिन्यू ड्यू टू ट्रैवल बैंस एंड फियर सीन इन द सोसाइटी। तो स्वागतन एक क्या है, एक चेन ऑफ होटल्स है ना, जैसे कि रेडिसन, सुना है ना आपने रेडिसन, सुना है रेडिसन ना, रेडिसन है, कॉन्ट्राड है, राइट, देन JW मैरियट है। अभी बेटर ट्राई करना है JW मैरियट का खाना का भी ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त होता है। चले वापस आएंगे तो अभी तो स्वागतम भी क्या है, एक चेन ऑफ होटल है। ठीक, यहाँ पे जो है बोलते हैं कि कोरोना की वजह से इनको समझ में आ गया कि भाई अब तो ट्रैवल बैन हो गया कोरोना की वजह से, ठीक है, और क्या बताइए इसके वजह से ट्रैवल बैन हो गया और लोग भी डरते हैं बाहर जाना, बाहर जाने का, बाहर खाने का डरते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करें बताओ, इसमें क्या करना चाहिए, तो देखो आगे बढ़े। बोलते हैं पैंडेमिक रिक्वायर्ड 14-day कंपल्सरी क्वारंटीन फॉर द अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड हॉस्पिटल्स वर शॉर्ट ऑफ रूम्स। तो हॉस्पिटल में क्या रूम्स थे नहीं ज़्यादा, और 14 दिन का क्वारंटीन करना ही था इनको, ये क्या बताओ ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी ना। मैनेजमेंट फाउंड अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी एज दे हैड सफिशियंट रूम्स स्टाफ एंड कुड फॉलो द रिक्वायर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। क्या हुआ, होटल का तो बिजनेस ठप हो गया था कोरोना के वजह से, क्योंकि अब कोई घूमने जाएंगे नहीं तो होटल में क्यों रुकेंगे, सब अपने घर में रुकेंगे। पर इनको समझ में आया कि हमारे इंडिया में हॉस्पिटल्स जो है वो पेशेंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है,
और हॉस्पिटल में रूम की कमी हो रही है और 14 दिन का क्वारंटीन करना है, मालूम है ना आपको ये सब। यार कम ऑन, अभी आप ये मत बोलना सर पैंडेमिक क्या है, क्वारंटीन क्या है, कम ऑन। तो क्वारंटीन करना है तो यार हम ऐसा कर सकते ना, हम भी तो रूम्स अवेलेबल करवा सकते हैं क्वारंटीन होने के लिए। क्वारंटीन में अकेला रहना पड़ता तुमको, है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं दे डिसाइडेड टू डू सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन बाय लेटिंग सम ऑफ देयर यूनिट्स टू हॉस्पिटल्स टू बी ट्रांसफॉर्म इन टू कोविड केयर यूनिट्स एंड रेस्ट ऑफ द यूनिट्स वर रेंटेड टू इंडिविजुअल्स एज क्वारंटीन फैसिलिटी। तो उन्होंने मस्त इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाली है, काम करो कुछ रूम्स हमारे होटल के, कुछ रूम्स क्या करना है हॉस्पिटल को दे दो। हॉस्पिटल को बोलो भाई तेरे को, तेरे पास रूम कम है ना, तो एक काम करना हमारे यहाँ पे भेज दे पेशेंट को, हमारे पास रूम बहुत पड़े खाली पड़े कब से। तो हॉस्पिटल को भी दिया और किसी को और का इंडिविजुअली अलग से रूम होना क्वारंटीन होने के लिए, तो तू वो ले ले। ऐसा बोलते हैं नेम द स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच सच डिसीजंस आर मेड। चलो सोच के बताओ आंसर, मत देखो कम ऑन। यस प्लीज बताइए। बच्चा बोलता है सर अगर आप खिलाओगे तो हम जरूर खाएंगे, है ना। यहाँ पे जे डब्ल्यू मैरियट में, ठीक। एक बच्चा लिखता है, मैंने जब लिख बोला ना कि जे डब्ल्यू मैरियट का खाना खा के देखना, बोलता है सर पैसे है अभी मत खाओ बेटा, है ना। तो मुझे जो है ये सौभाग्य मिला था ये 5-स्टार होटल में रहने का, जे डब्ल्यू मैरियट। अरे भाई साहब नेक्स्ट लेवल खाना था एकदम। वैसे जनरली क्या होता है कि जो कुछ ऐसे ये रहता है ना 5-स्टार होटल्स जनरली होते हैं ना, उनका खाना उतना खतरनाक नहीं होता है जनरली, मैंने ऐसा नोटिस किया है। मतलब बहुत चुनिंदा ऐसे 5-स्टार होटल्स हैं जिसका खाना एकदम जबरदस्त है, वैसे एक है जे डब्ल्यू ना, रेडिसन भी अभी ठीक ही है अभी। चले आइए वापस, तो बताइए कि हमें, हमने क्या किया, हमारे रिसोर्स को किस प्रकार से यूज़ करना है, या हमें हमारे बिजनेस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये कौन डिसाइड करता है, कॉर्पोरेट लेवल वाले। तो किसका काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए बेटा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का। द अबव सिनेरियो डिपिक्ट्स वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ SM, डिस्कस विच लिमिटेशन ऑफ SM इज डिपेक्टेड हियर। कम ऑन चले जवाब दीजिए। हाँ चलिए बताइए जवाब जल्दी से, लेट्स सी कौन बताता है, कौन सा लिमिटेशन देखने को मिल रहा है, जल्दी फास्ट थोड़ा जल्दी जवाब दीजिए। हाँ मैंने आंसर देखा नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि क्या यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो क्या, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। जैसे हमने क्लासेस में आपको बताया था कि वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों का भी, उनके लिए सब चीजें बराबर चल रही थी, है ना, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था, पर अब गाड़ियों में अपने आप आग लग जा रही थी, बैटरी जल जा रही थी। बोलते हैं एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, यहाँ पे होटल वाले सब अपना काम बराबर कर रहे थे पर अब कोरोना आ गया, अब क्या करें, ये समझ में आ रही बात है। हाँ एस्टिमेशन वाला नहीं आ सकता, एस्टिमेशन वाला क्या है, एस्टिमेशन वाला नहीं आ सकता इसमें, ठीक है ना। इसमें ये कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट वाला मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं, पहला सवाल का जवाब तो कॉर्पोरेट लेवल है ना, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल वाले ऐसे डिसीजन लेते हैं विच अफेक्ट द ओवरऑल डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा बता रहा है देखो एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड क्या बताया, टर्बुलेंट, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट देखे, बोलते हैं यर द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट वाज रिएक्टिव, डिस्कस द बेनिफिट ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच ओवर रिएक्टिव अप्रोच। आई तो बोलते हैं प्रोएक्टिव रहने का बेनिफिट क्या है, कि हम पहले से ही ज्यादा तैयार रहेंगे, है ना। तो प्रोएक्टिव रहने का बेनिफिट क्या है, अब देखो देखो हाँ, अब ये चीज आपके बुक में भी नहीं लिखी है, ये चीज आपके बुक में नहीं लिखी है, तो मैं चाहूंगा इसको आप हैंड रिटन नोट्स में नोट कर लेंगे बाद में। ये आपके बुक में नहीं लिखा है ना। हाँ बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच में है इन्वॉल्व्स एंटीसिपेटिंग एंड एड्रेसिंग इशू बिफोर दे बिकम क्रिटिकल, कुछ गड़बड़ होने के पहले ही हम क्या करेंगे, इशू को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड
प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले रिएक्टिव अप्रोच क्या है, रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम्स आफ्टर दे हैव अकर्ड। ये बहुत बढ़िया लाइन है, ये भी आप लाइन लिख सकते हैं, ये भी लाइन हैंड रिटन नोट्स में लिख दो आप, ये भी लाइन हैंड रिटन नोट्स में आप लिख दो, है ना। ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी है इन्होंने, और ये भी है कि प्रोएक्टिव अप्रोच के एडवांटेजेस क्या है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, इट अलाउज फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट बाय आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस इन एडवांस। पहले से ही प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो हम हमारे रिस्क को मैनेज कर पाते ज़्यादा अच्छे से, एकदम से हमें लॉसेज नहीं होते, राइट। आगे, इट अनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप कंटिजेंसी प्लान, कि आगे कुछ गड़बड़ हुआ तो पहले से हम डिसाइड करके रख सकते हैं कि क्या करना है। सेकेंड जो है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी ऑफर रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग, ये हमें कॉस्ट सेविंग में हेल्प करेगा, क्योंकि एज अ प्रिवेंटिव मेजर कैन बी मोर एफिशिएंट देन एड्रेसिंग क्राइसिस रेट्रोएक्टिवली। बोलते हैं गड़बड़ होने के बाद चीज़ों को ठीक करना ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत लॉसेज हो गए होंगे और अब चीज़ों को ठीक करने के लिए और खर्चा करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या भैया, प्रोएक्टिव रहो, पहले से ही थोड़ा सा क्या बताइए, पहले से ही थोड़ी सी मेहनत कर लो, पहले से ही प्लानिंग बना के चलो कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या करें, ऐसा। तो प्रोएक्टिव रहने से आपका कॉस्ट सेविंग हो सकता है। जैसे सिंपल भाषा में समझो, तुमने कार खरीदी पर उसका इंश्योरेंस नहीं निकाला, अब तुम इंश्योरेंस निकालते, इंश्योरेंस निकालना प्रोएक्टिव रहना होता है। अब इंश्योरेंस निकालोगे तुमको 40-50 हज़ार रुपये उसके क्या देने पड़ेंगे, प्रीमियम के। पर अब तुम बोलोगे कि सर 40-50 हज़ार क्यों दें, पर समझो अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो एकदम से 2-3 लाख का खर्चा आता फिर, अगर बड़ी कार है तो। मैं ऑल्टो की बात नहीं कर रहा बेटे जिसका कॉस्ट ही 2-3 लाख है, ठीक है ना। अगर समझो 10-15 लाख की कार है और एक्सीडेंट होता है तो उसमें भारी लंबा खर्चा आता है, तो इंश्योरेंस निकाला रहेगा तो क्या होगा, आपको इतना खर्चा उठाने नहीं पड़ेगा तुरंत में, ऐसा। तो उस तरीके से बोल रहा है यहाँ पे। अगली बात है, बोलते हैं कि इट ऑर्गेनाइजेशन कैन मेंटेन अ कॉम्पिटेटिव एज बाय स्टेइंग अहेड ऑफ द इंडस्ट्री ट्रेंड्स। हम अगर प्रोएक्टिव रहेंगे तो क्या होगा, हम हमेशा हमारे कॉम्पिटेटर से आगे रहेंगे मार्केट में, क्योंकि हम पहले से ही काफ़ी चीज़ें सोच के चीज़ें करते जा रहे हैं। इसको तो इससे हमारा कॉम्पिटेटिव एज क्रिएट होगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट होगा। यस, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर एग्जाम में मत लिखना, ठीक है ना। हाँ, एंड फाइनली प्रोएक्टिव अप्रोच एनहेंसेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन नेविगेटिंग अनसर्टेनिटीज, है ना। मतलब हम और ज़्यादा बेटर तरीके से अनसर्टेनिटीज को क्या कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे अगर प्रोएक्टिव रहेंगे तो। तो क्या है बताओ, चार बेनिफिट्स, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट सेविंग, कॉम्पिटेटिव एज एंड एनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, है ना। तो क्या करें बताओ, तो मुझे तो यहाँ पे लग रहा है क्या ट्रिक है, BCCE, BCCE आया होता है वैसे, BCCE है मेमोरी ट्रिक है, BCCE, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट सेविंग, कॉम्पिटेटिव एज क्रिएट करता है एंड इट एनहेंसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, राइट। डने बात, बच्चा बेटा सर आप अपनी मर्सिडीज की बात करें, बेटा काश अब आप बेटा शेयर करें हमारे क्लासेस के बारे में सबके चलिए ये डने के बाद मुझे बताइए, क्या बताओ BCCE डने पक्का, यस और नो, तो इसको ये आप लिख लीजिए प्लीज, ये हमारे स्टडी मटेरियल में ही नहीं दिया, क्या करें। चलिए डन, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगली बात आप देखो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया कि भाई ये ओल्ड सिलेबस टॉपिक है, अभी क्या बताइए ये ओल्ड सिलेबस टॉपिक है, अभी जो है ये किस में बताइए, अभी ये हमारे एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप बस एक बार रीड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज के बारे में लिखा है। देखो, ABC Limited इज अ कंपनी दैट हैज ग्रोन 11 टाइम्स इन इट साइज इन लास्ट 5 ईयर्स, विद इंक्रीजिंग साइज द कंपनी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन मैनेजिंग थिंग्स, मेनी टाइम्स फंक्शनल लेवल इज नॉट इन सिंक विद द कॉर्पोरेट लेवल, व्हाट डू यू लाइक टू एडवाइस द कंपनी एंड व्हाई। अगला, इसी यही क्वेश्चन अलग तरीके से कैसे आ सकता है, रोहित भार्गव इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मूथ एंड सिंपल, द कंपनी एस्टैब्लिश इन 2011 विद 35 एम्प्लॉइज, ग्रो वेरी फास्ट टू बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन विद 335 एम्प्लॉइज इन द लास्ट इन द ईयर 2016, with the increase in size Rohit started facing difficulty in managing things, many times he finds that personal at the function level are not in sync, dekho same line, to hum kya advice denge, bolte dekho pehli baat, bolte the higher level corporate strategies need to be segregated into viable plans and policies that are compatible with each other and communicated down the line,
द हाई लेवल स्ट्रेटजीज नीड टू बी ब्रोकन इनटू फंक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन. फंक्शनल स्ट्रेटजीज इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन प्रोडक्शन हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. द रीजन वाई फंक्शनल स्ट्रेटजी आर नीडेड इस क्या बताइए, इट लेज डाउन क्लियरली वॉट इज टू बी डन एट द फंक्शनल लेवल. दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू फंक्शनल स्टाफ. तो फंक्शनल स्ट्रेटजी बनाना क्यों जरूरी है, तो बोलते हैं सबसे पहली बात क्वेश्चन ये था कि फंक्शनल लेवल का जो काम है ना वो कॉर्पोरेट लेवल के काम से सिंक में नहीं है, मतलब उसके हिसाब से नहीं हो रहा बराबर, मैंने उसके हिसाब से नहीं हो रहा बराबर, ठीक है ना. तो अब क्या करें बताइए. तो बता रहा है कि तुम जो भी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाओगे ना, इसको क्या करो, इसको पहले अलग अलग प्लान्स में, छोटे छोटे प्लान्स में उसको डिवाइड कर दो. उसको तुम क्या करो, उसको जो तुम है ना उसको तुम तोड़ो है ना, ब्रेक करो छोटे छोटे फंक्शनल स्ट्रेटजीज के अंदर. फंक्शनल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी. ये हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है. फंक्शनल स्ट्रेटजी क्यों जरूरत है, क्योंकि ये बताते हैं कि हमें करना क्या एग्जैक्टली फंक्शनल लेवल पे. ये फंक्शनल स्टाफ को एक डायरेक्शन देता है, दे आर एम्ड एट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, राइट. दे एक्ट एज अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज. दे हेल्प इन ब्रिंगिंग हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन. हार्मनी मतलब कि सब लोग मिलजुल के कैसे काम करें, कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में हम काम करें इन ऑर्डर टू अचीव आर स्ट्रेटजीज. एंड सिमिलर सिचुएशन अकरिंग इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज आर हैंडल्ड इन अ कंसिस्टेंट मैनर बाय फंक्शनल मैनेजर्स, है ना. तो अगर कोई सिमिलर प्रकार का काम होता है तो उसका एक अपन एक प्रोसेस सेट कर सकते हैं, एक क्या बताएं SOP सेट कर सकते हैं, ताकि सब लोग वो सेम प्रकार से काम करें. तो अगर समझो कभी मार्केटिंग में इशू आता है, प्रोडक्शन में इशू आता है, सेल्स में इशू आता है, तो फंक्शनल लेवल वाले लोग क्या करते हैं, एक कॉमन ऐसा प्रोसेस बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रकार का प्रॉब्लम होता है कोई भी डिपार्टमेंट में तो उसको कैसे सॉल्व करें ऐसा. तो इसलिए फंक्शनल स्ट्रेटजीज बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका इम्पोर्टेंस दिया है. अब ये चीज़ आपके अभी बुक में लिखी नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो इसलिए मैंने डलवा दिया बस, कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बार बस इसको रीड कर लेना, है ना. आगे बढ़े, बोलते हैं स्वाति, ये फिर से देखो एक्चुअली ना बेटा ये फंक्शनल मैनेजर वाला ही पॉइंट है फिर से. अब देखो ये April 2024 में आया है. अब देखो आपको सनमारी हरकतें क्या है, कहाँ है ये April 2024 में आया हुआ ये सवाल, ये प्रॉब्लम है. तो अब वैसे देखा जाए तो ये पुराने सिलेबस में था ना ये टॉपिक, पर अभी पूछा हुआ है. देखो यहाँ पे क्या है, देखो क्या है, बोलते हैं स्वाति, तो इसको काट दो, इसको बस लिख दो कि जस्ट रीड वंस, अभी रीड कर लो, क्या करेंगे बताओ. ये May 22 का सवाल ये वाला, ठीक है, जो पहले हमने करवाया था. नेक्स्ट इधर आइए. अब देखिए, बोलते हैं स्वाति इज अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी, मतलब ये FLM पे काम कर रही है. शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट्स. स्वाति लीड्स अ टीम ऑफ मार्केटिंग प्रोफेशनल्स एंड वर्क्स क्लोजली विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सेल्स टीम्स टू एंश्योर दैट कंपनीज प्रोडक्ट आर इफेक्टिवली प्रमोटेड. शी ऑल्सो एनालाइजेस मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर फीडबैक टू रिफाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी. Which level is she working at? Discuss the role and responsibility of this level of organization. बताओ. अब हमारे बुक में फंक्शनल लेवल मैनेजर का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा नहीं है, तो आपको हमको ये तो समझ में आ गया भाई कि ये कहाँ काम कर रही है, फंक्शनल लेवल पे काम कर रही है. अब फंक्शनल लेवल वाले लोग क्या करते थे, ओवरसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स ऑफ फंक्शंस जिसके लिए उनको, जिसका मैनेजर है वो, ठीक है ना, ओके. The primary responsibility is what implementing corporate strategies and policies within their area of expertise and ensuring that daily operations are conducted efficiently and effectively. भाई इसको लिख लेना आप. तो functional managers का क्या काम है, पहला काम क्या है, to oversee specific department of functions within the organization. दूसरा काम है implementing corporate strategy and policies within their areas of expertise. तीसरा काम है ensuring that daily operations are conducted efficiently and effectively. इसको लिख लेना आप, ठीक है ना. यस, आगे बोलते हैं, स्वाति's case as a marketing manager, her role involves developing and executing marketing strategy for the company's products. ये तो क्वेश्चन से लिखा है. This includes leading a team of marketing professionals, ठीक है. By working closely with these teams, Swati ensures that company's products are effectively promoted. उसने सेम ये कहाँ से लिखा है, ये ऊपर क्वेश्चन से पूरा छापा हुआ लाइन है, पूरे ये पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन से छापा हुआ. अपन नहीं क्या लॉ में लिखते ना प्रेजेंट केस, ऐसा वो है.
ये डन है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर बोलता है फंक्शन मैनेजर्स लाइक स्वाति प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन बाय ब्रिजिंग द गैप। तो इनका और क्या काम है, बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड डेली ऑपरेशंस। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेली ऑपरेशंस में कैसे करना है, उसको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए डेली बेसिस में हमें क्या करना है वो बताता है कौन, एफएलएम वाले बताते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। बोलते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग हाई लेवल स्ट्रेटजी गोल्स इनटू एक्शनेबल प्लान्स फॉर द डिपार्टमेंट्स, इंश्योरिंग प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली। दे आर ऑफन की डिसीजन मेकर्स विद इन देयर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब क्या है, आपको हैंड रिटन नोट्स में जहाँ पे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स है ना, वहां पे आप लिख देंगे कि द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंक्शनल लेवल मैनेजर क्या है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओवरसींग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शन। दूसरा है इंप्लीमेंटिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विद इन द एरिया, विद इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तीसरा है डेली ऑपरेशंस को कंडक्ट करना एफिशिएंटली इफेक्टिवली। अगला क्या इनका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रिजिंग द गैप, ये लिखिए चौथा पॉइंट, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डेली ऑपरेशंस। दे आर रिस्पॉन्सिबल, पांचवा पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग हाई लेवल स्ट्रेटजिक एंड स्ट्रेटजिक गोल्स इंटू एक्शनेबल प्लान्स फॉर देयर डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योरिंग प्लान्स आर एग्जीक्यूटिव इफेक्टिवली। ये पांचवा पॉइंट था। और छठवा पॉइंट क्या है, बस मेरे हिसाब से इतना ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है। दे आर की डिसीजन मेकर्स विद इन देयर एरियाज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस दैट इम्पैक्ट कंपनी सक्सेस, ठीक है। मेरे हिसाब से जो पांच पॉइंट मैंने आपको करवाया ना यहाँ पे, ये एक, ये दो, ये तीन, ठीक है ना, ये चार और ये पांच, इसको आप नोट कर लेना स्टडी आपके किस में बताइए जल्दी से, ये आप नोट कर लेना, कहाँ पे नोट करोगे इसको बताइए, इसको आप नोट करोगे आपके हेड एंड नोट्स में, पांच पॉइंट, ठीक है ना। क्या लिखोगे, हेडिंग, हेडिंग लिखोगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एफएलएम, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अगला देखें, लास्ट है बेटा, अच्छा नहीं एक और है फिर डिस्क्रिप्ट, ठीक है, आखिरी दो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्ट में, फिर एमसीयू करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे फिर एमसीयू करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। बोलते हैं राइट शॉर्ट पुट ऑन दी फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर, बोलते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में कुछ लिखो। अब फिर से ये टॉपिक ओल्ड सिलेबस का है, अभी नहीं है सिलेबस में, लेकिन इसको बस एक बार रीड प्लीज आप कर लेना सवाल को बस, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, विच कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट, जो आइडिया के बारे में सोचता है कि हमें नया बिजनेस चालू करना है, ये हर प्रकार का रिस्क उठाता है बिजनेस चालू करने का, राइट। अब मुझे बताइए इस एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, तो इसका ट्रिक बनाया मैंने, ही एन एंटरप्रेन्योर ड्राइव्स अरेंजेस एंड कोऑर्डिनेट्स। क्या बोला, एन एंटरप्रेन्योर कौन, मैंने बोला एन एंटरप्रेन्योर ड्राइव्स अरेंजेस एंड कोऑर्डिनेट्स, है ना। बोलते चौथा पांचवा पॉइंट ये है, बेटा मार्क करो ना क्लास में, देखिए क्यों ऐसा आप ये क्यों रिपीट करवाते हो मेरे से। चलिए तो एंटरप्रेन्योर क्या बताइए, ड्राइव्स अरेंजेस एंड कोऑर्डिनेट्स। ड्राइव्स में क्या है देखो, एंड एंटरप्रेन्योर टेक्स डिसीजंस टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस अ प्रॉफिटेबल वन, देन तीन बार आ रहे हैं, एंड एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, राइट। ही इज क्या बताया, ही रिकॉग्नाइजेस द एंड यूटिलाइजेस द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, ही फेसेस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो डी और आर खत्म हो गया, फिर आता है आई, ही इनिशिएट्स एंड इनोवेट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। बी से आता है, ही एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विस, वैल्यूएबल प्रोडक्ट सर्विस बनाएगा तभी लोग खरीदेंगे। ई से क्या आता है बताइए, ई से ही एस्टैब्लिशेस अ स्टार्टअप कंपनी, एंड फाइनली ही अरेंजेस एंड कोऑर्डिनेट्स व्हाट, ही अरेंजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द रिसोर्सेज सच एज मैन, जो भी रिसोर्सेज बिजनेस में चाहिए उसको लेके आता है बिजनेस में, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, ही ड्राइव्स अरेंजेस एंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है अभी, ये पुराने सिलेबस का क्वेश्चन है, पर मुझे लगा कि ये आप एक बार रीड कर लेना, इस पे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, 1-2% चांस है कि ये सवाल एग्जाम में आ जाए, फिर भी इसको बस रीड करके रख लो, बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अगला सवाल, लास्ट सवाल है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओल्ड सिलेबस का टॉपिक है, पर पढ़ लीजिए। ठीक है ना, बोलते हैं हेल्थ वेलनाउ इज अ क्या बताइए, इज अ दिल्ली बेस्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग्स ऑफिस गोअर्स। इट ऑर्गेनाइजेस प्रोग्राम्स टू एनकरेज एंड गाइड ऑफिस गोअर्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू स्ट्रेस रिलीफ, योगा, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, वर्क लाइफ बैलेंस।
मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टेक सर्विसेज ऑफ हेल्थ वेलनाउ। इट्स डेली योगा सेशन आर वेरी पॉपुलर इन सम ऑफ द बिग कंपनीज लोकेटेड इन दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। द हेल्थ वेलनाउ हैज नो कमर्शियल इंटरेस्ट एंड डज नॉट चार्ज एनी फीस फॉर इट सर्विस। आवर ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू गेट गुड चैरिटीज एंड हैज सफिशियंट फंड्स टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंसेस। डू यू थिंक दैट कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर रेलेवेंट फॉर हेल्थ वेलनाउ? अब आपके पुराने सिलेबस में बेटा एक ऐसा टॉपिक था कि क्या हमारे जो NPO होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, क्या उनको भी SM को फॉलो करना चाहिए क्या? क्या उनको भी SM अप्लाई करना चाहिए अपने बिजनेस में, अपने काम में? क्योंकि उनका तो मोटी प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो क्या उनको भी SM लगाना चाहिए क्या? ये पॉइंट है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तरह बस इसको रीड कर लेना। देख लीजिए, बोलते द कॉन्सेप्ट ऑफ SM आर रेलेवेंट फॉर हेल्थ वेलनेस, भले ही वो चैरिटेबल है, भले NPO। बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी क्लासिफाइड एज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट दे हैव। हेल्थ वेलनेस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कमर्शियल, है ना, क्योंकि ये पैसा चार्ज नहीं कर रहा लोगों से। बोलते हैं ये भले ही नॉन कमर्शियल, लेकिन फिर भी क्या इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे क्या, है ना, इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से अलग होंगे। दे नीड टू एम्प्लॉय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल्स टू इफिशियंटली यूज देम। बोलते हैं भले ही तुम्हें प्रॉफिट नहीं कमाना, पर तुमको तुम्हारे रिसोर्सेज तो बिजनेस में यूज करने हैं, तो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कैसे करें SM से पता चलेगा। तुमको सफिशिएंट सरप्लस कैसे जनरेट करना है टू मीट द डेली एक्सपेंसेस, कैसा समझेगा SM को अपना के। तुमको अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कैसे करना है, कैसा समझेगा SM को बना के। इनफैक्ट मेनी नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आउट परफॉर्म प्राइवेट फर्म्स एंड कॉर्पोरेशन ऑन इनोवेटिवनेस, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिलेशन। बहुत से ऐसे बेटा NPOs, बहुत से गवर्नमेंट कंपनीज होती है जो प्राइवेट कंपनीज को भी आउट परफॉर्म करती है, उनसे भी बेटर परफॉर्म करती है, क्योंकि SM को वो बराबर से अप्लाई करते हैं इसलिए। ठीक है, बोलते हैं द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ वेलनाउ नीड्स टू कवर द एस्पेक्ट सच एस। तो बोलते हैं कि हम हेल्थ वेलनाउ में SM को कैसे लगाएंगे। देखिए, बोलते हैं SM को लगाने की जरूरत क्या है आपको नॉन प्रॉफिटेबल में या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। बोलते हैं देखो, SM की जरूरत इसलिए है टू जनरेट सफिशियंट फंड्स फॉर मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टू एफिशिएंटली रीच ऑफिस गोअर्स एंड हेल्प देम टू हैव अ हेल्दी लाइफ, कि हम कैसे कस्टमर्स तक ज़्यादा पहुँचे, टू प्रमोट इटसेल्फ टू कवर मोर ऑफिसेस, है ना, हमको खुद का प्रमोशन भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, एंड हैव अ डीप कोलैबोरेशन विद द हेल्थ एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, योगा एक्सपर्ट, राइट। तो ये सब चीज़ों के लिए, मतलब ये सब चीज़ें हेल्थ वेलनेस के SM में कवर होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा ऐसा एडिशनल क्वेश्चन के तरह है, एग्जाम में अगेन इसके आने के चांसेस से 1% के आसपास ही है, तो बस इसको एक बार रीड कर लो बस, ठीक है। मैंने ये इसलिए डलवाया क्योंकि इसके ऊपर बार बार सवाल आता था ओल्ड सिलेबस में, तो मुझे लगा कि बस इसको डाल दो एक बार, बस रीड इसको कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धन्यवाद। तो हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जितने भी थे सब हो गए हैं, आपका पूरा स्टडी मटेरियल भी कवर हो गया, इसमें सारे RTP, MTP, PYQ जो भी रेलेवेंट थे वो सब कवर हो गए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, विल टेक अ ब्रेक। पांच मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम MCQs करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि हम ऐसा सेशन बना रहे हैं, आप ये बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें ये एक सेशन में पूरा ये इसको खत्म करना है, हमारे इस SM चैप्टर 1 के कंपाइलर को, क्या डन है बात, राइट, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे होंगे जिनको क्या बताइए, जिनको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर प्रॉब्लम है क्वेश्चन 30 में, तो वीडियो को आगे आगे करके क्वेश्चन 30 देख लो। तो इस तरीके से भी इस वीडियो को आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, जब आप खुद से रिविजन करेंगे तब, है ना। ये डन है, एक ब्रेक लेते हैं, राइट, और फिर मिलते हैं। चलिए, टेक अ स्मॉल ब्रेक गाइस।
चलिए गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आया इंस्टीट्यूट का, ठीक है ना, हमारा जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था अभी, उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आइए लेट्स सी हमें इसमें जो एसएम चैप्टर वन का क्वेश्चन है वो हमें जमता है या नहीं। ठीक है ना, तो एसएम चैप्टर वन का पहला सवाल है इसमें, तो ये देखो ये सेक्शन बी है, ठीक है ना, सेक्शन बी, तो ये न्यू सिलेबस के हिसाब से पूरा पहले एफएम है सेक्शन ए, और सेक्शन बी है आपका एसएम वाला, तो क्वेश्चन फाइव से आपका एसएम चालू हो जाता है। देखो किस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे पहले उसमें क्या है, 5 मार्क के सवाल है, तो ये पहला क्वेश्चन 2 मार्क का है सिर्फ, दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, अरे सॉरी, ये पूरा 5 मार्क का है, कौन, सॉरी सॉरी, ये पूरा 5 मार्क का सवाल है आपका, ठीक है ना, और ये इसमें जो बी है ये भी 5 मार्क का है, ठीक है। पर अब देखो क्या है इसमें, देखिए प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं एल्विस ग्लोबल इज अ फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म फेसिंग फियर्स कॉम्पिटिशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स अमिड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, दिस हैज मेड इट डिफिकल्ट टू रिटेन कस्टमर एज एग्जिस्टिंग टेलीविजन चैनल्स आर ऑल्सो लॉन्चिंग देयर ओन प्लेटफॉर्म। तो अब द कंपनी हैज अपॉइंटेड राघव टू लीड द कंपनी फॉरवर्ड एज सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। तो राघव को अपॉइंट किया क्यों, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर बनाया है। राघव को नीड्स टू डिजाइन क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड एंगेज द पब्लिक एंड कैप्चर द मार्केट। तो सवाल ये यह है यहाँ पे कि हमें ये बताइए कि राघव को हमने किस स्ट्रैटेजिक लेवल पे, इसको इसका स्ट्रैटेजिक लेवल क्या है, एंड आपको ये बताना है हाईलाइट द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन ओवरकमिंग द चैलेंजेस टू राघव। चलिए बताइए, पहला सवाल कि राघव को यहाँ पे किस लेवल पे ये काम कर रहे हैं, बताइए कमोन, यहाँ पे जो है गाइस कमोन जल्दी मुझे बताएंगे, यहाँ पे राघव जो है वो किस लेवल पे काम कर रहा है, कमोन, यस, व्हाट इज द आंसर। तो राघव भाई जो है बेटा यहाँ पे काम कर रहे हैं, यस जल्दी बताइए, ये काम कर रहे हैं बेटा फंक्शनल लेवल पे, यस वेरी गुड, ये फंक्शनल लेवल पे काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनको सेल्स मार्केटिंग मैनेजर बना है, तो एक पर्टिकुलर फंक्शन का मैनेजर बना है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, एसएम के बेनिफिट्स पूछ रहा है वो, फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी, फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाते हैं, ये हमारे हो जाएंगे ट्रिक, क्या ये 5 मार्क आपको मिल जाएंगे क्या, तो इसमें ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि किस लेवल पे काम करते हैं, उसका 1 मार्क, और आपको एडवांटेजेस लिखने हैं उसके 4 मार्क, समझे क्या, तो 5 मार्क आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन वन का सवाल है इसमें, अगला जो क्वेश्चन वन का सवाल है वो ये है, अगला 5 मार्क का सवाल चेक करो। अब कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। वो क्या बोल रहा है, पहले आपको इसमें क्या करना है, पहले इसमें बताना है कि मिशन होता क्या है, तो पहले वापस से लाइन लिखने का, मिशन स्टेटमेंट के बारे में एक दो लाइन लिखने का, और फिर क्या लिखना है बताओ, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। बोलते किसी कंपनी में मिशन स्टेटमेंट क्यों होना चाहिए, टू पुट बीएमडब्ल्यू इन फोकस, समझे क्या, टू पुट बीएमडब्ल्यू इन फोकस। बेटा इसके भी 5 मार्क तुमको मिल गए, 10 मार्क जेब के अंदर, मतलब ऐसे में 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर का 8 से 10 मार्क का वेटेज है। देखो आइए इधर, क्या हमने आपको करवाया हुआ है, क्या हमने आपको ये करवाया हुआ है, क्या टू पुट बी एमडब्ल्यू इन फोकस, यही है सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, यही है बेटा सिग्निफिकेंस, यहां पे लिख दो, यही बताता है सिग्निफिकेंस कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में मिशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या है, खत्म है? हाँ एडवांटेजेस है ना, तो 6 लिख दो बेटा, 4 मार्क है तो 6 एडवांटेजेस लिख देना, ठीक है। बोलते सर 80+ आएंगे तो क्या मिलेगा, बेटा खुशी मिलेंगी आपको अगर आपको 80+ मार्क्स आएंगे एग्जाम में, तो ठीक है चलिए, खुशी मतलब हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना ढोकले, आइए इधर, ये डरने बात मुझे बताइए, तो अब हम क्या करेंगे बताइए, अब हम जो है यहाँ पे आइए एमसीक्यू करेंगे, 3 सेट है इसकी, ठीक है ना, 3 सेट है ना, चलिए आइए इधर। अब पहला सवाल देखेंगे, मुझे बताना है आपको, कम ऑन, बोलते हैं
चलिए धन्यवाद, आइए रहे। बोलते हैं एबीसी फाउंडेशन एनवी सजेस्ट अ वर्ल्ड वेयर एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड हैज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, इरेडिकेटिंग इलिटरेसी ग्लोबली। एबीसी फाउंडेशन इज कमिटेड टू एस्टैब्लिशिंग 1000 लर्निंग सेंटर्स विद द टारगेट टू रीच 1 मिलियन लर्नर्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। देयर कोर वैल्यूज एम्फसाइज इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, नॉलेज शेयरिंग। वट रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल पर्पज एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन ऑफ एबीसी, बताओ। हेल्थी में टाइम पास किया है पूरा जबरदस्ती आपको ये आप समझो बेटा, इस एमसीक्यू में एक्चुअल में आपको इसकी जरूरत ही नहीं थी, आपको इन सब की जरूरत ही नहीं थी, आपको पॉइंट बस इतना था, बताओ कौन सी चीज हमें बताता है फंडामेंटल पर्पस एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन के बारे में। तो बिजनेस के लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन के बारे में कौन बताएगा, बताइए। चलिए आपको ऊपर के लाइनों की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली, बहुत ही हो गया भाई ये। यस, तो वैसे पर्पस के बारे में बताता है क्या, बताइए, मिशन। लेकिन लॉन्ग टर्म, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन की बात करती है तो क्या बोलेंगे, तो आंसर हो जाएगा विजन स्टेटमेंट। बस आगे बढ़े, नेक्स्ट बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू विथ रिगार्ड्स टू स्ट्रेटेजी, नॉट ट्रू। इससे अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है। इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ द 3 Ds, है ना, डिजायर्ड पोजिशन, ठीक है, रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इट इज परफेक्ट एंड फ्लॉलेस। याद करो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट फ्लॉलेस ऑप्टिमल, याद है क्या। यस, तो स्ट्रेटेजी क्या परफेक्ट होती है, नहीं होती है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया है हमें कि 5 साल में ये करना है, अरे ढोकले छोले भटूरे, ये छोड़ी दो आप, वो तो कुछ भी लिखा ऊपर, उसने उसने ऐसा नहीं बोला कि ये क्या है, उसने पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, उसने ये बोला ही नहीं है कि ये लाइन क्या है, उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि बस इतना बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट बताता है फंडामेंटल पर्पस एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन के बारे में। उसने क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है तुमको कि ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, उसने ये बोला ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन में, वो जबरदस्ती का घुसा हुआ है। ये स्टेटमेंट को बाजू में रखो, बोलता तुम ये बताओ कौन सा स्टेटमेंट बताता, ऐसा। आपको समझा गया बात क्या हो रहा हूँ, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़े। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैन टेक प्लेस एट 3 कॉमन लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलो, बताइए। तो बहुत चिल्टू है, हम 3 लेवल पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, कौन, फास्ट, जल्दी जवाब देंगे। सो 3A, 3B, 3C, 3D, जल्दी जवाब देंगे मुझे फास्ट एकदम, कम ऑन गाइस। यस, आंसर क्या है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, खत्म हो गई बात, आगे बढ़े। स्ट्रैटेजी क्या है, ये प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, ब्लेंड होता है दोनों का, बताइए, करवाया आपको स्ट्रैटेजी इज व्हाट, इट इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, ठीक है ना। ये आरटीपी में भी आए हैं, स्टडी मटेरियल में भी है। चलिए एक्चुअली पहले सेट में ना सारे आरटीपी के एमसीक्यू, चलिए देखेंगे अगला। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिसीजंस, यस, हेल्प्स टू एनहेंस लॉन्जिविटी, यस, इट इज एन इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, मतलब बहुत ही सस्ता है, ये तो गलत हो गया। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर रिएक्टिव देन प्रोएक्टिव, ये भी गलत हो गया। तो सही वाला कौन सा है, पहले दो स्टेटमेंट ही सही लग रहे हैं मुझे, तो आंसर है बेटा पहले दो स्टेटमेंट ही सही लग रहे हैं, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, है ना। तो 5A, है ना, चलो डन, आगे बोलते हैं स्टेटमेंट दैट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप एंड ब्रॉडली डिस्क्राइब्स ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट केपेबिलिटी, कस्टमर फोकस, एक्टिविटी, बिजनेस मेकअप, कौन सा स्टेटमेंट बताता है ये चीज, बताइए, कम ऑन, कौन बताता है प्रेजेंट ABC के बारे में। यस गाइस, मिशन, तो 6 का आंसर क्या है, मिशन, आगे बढ़े। वैल्यूज, सॉरी, वेलवेट लिमिटेड इज अ फुल सर्विस एयरलाइन, ठीक है ना, एयरलाइन कंपनी है। द कंपनी इज मेकिंग द फॉलोइंग डिसीजन, इट शुड शुड अ नो फ्रिल्स और लो फेयर सब्सिडरी बी सेटअप, इफ इट इज सेटअप हाउ शुड द केबिन स्टाफ बी रिक्रूटेड। ये डिसीजन जो है इसमें से कौन सा डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग लेंगे, नो फ्रिल्स का मतलब होता है बेटा नो एक्स्ट्रा सर्विस, नो एक्स्ट्रा सर्विस, जैसे जनरली जो ये रहते हैं ना इंडिगो की एयरलाइंस, वो नो फ्रिल्स उसकी टिकट रहती है कि
तुमने टिकट लिया ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता नहीं, बस सीट में बैठने को मिलता है, ठीक है ना। तुमको कोई वहाँ पे सैंडविच या कुछ अलग से देंगे नहीं। लेकिन एयर इंडिया में क्या है, तुम्हारे टिकट प्राइस के अंदर ही वो खाने का भी प्राइस इंक्लूड रहता है। तुमको खाना देते हैं एयर इंडिया में हमेशा, जब भी तुम जाओ खाना मिलता। अच्छा तो वो क्या है, वो एक प्रकार से है कि तुमको फ्लाइट में तो बैठने मिल ही रहा, साथ ही साथ तुमको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस भी मिल रही है ऐसा। तो नो फ्रिल्स का मतलब क्या है कि कोई एडिशनल सर्विस हम नहीं देंगे ऐसा। तो क्या ऐसा बिजनेस या ऐसा हमें टिकट्स चालू करनी चाहिए या नहीं, ये पहली बात है। दूसरा क्या है बताओ, दूसरा क्या है, इफ इट इज सेटअप देन हाउ शुड द केबिन स्टाफ बी रिक्रूटेड, है ना। बोलते हैं एक बच्चा बोला सर मुझे इंडिगो में, मैं तो गया था तो मुझे मिला था। तो ढोकले तुमने बुकिंग करते वक्त उसको सिलेक्ट किया होगा, तो अगर आप बुकिंग करते वक्त वो सिलेक्ट करते हैं मील को, तो ही तुमको मील मिलता है इंडिगो में, और उसका अलग से पैसा देना पड़ता है टिकट के अंदर। लेकिन आपको एयर इंडिया के टिकट प्राइस में ही इंक्लूड होता है खाना, उसमें अलग से सिलेक्शन की जरूरत नहीं है ऐसा। हाँ तुमको और एडिशनल कुछ खाने उसके अलावा तो लेना पड़ेगा, पर एक बेसिक उसमें मिलता ही आपको एयर इंडिया में, ठीक है। चले वापस आइए। तो इसमें कौन सा, मुझे लगता है इसमें जो सिर्फ पहला वाला है ना बेटा, वही वाला काम कॉर्पोरेट लेवल वालों का है कि क्या हमें इस बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं। अच्छा बिजनेस चालू हो गया उसके बाद अब मुझे क्या स्टाफ को रिक्रूट करना है या नहीं, ये कॉर्पोरेट लेवल वाले नहीं सोचते बैठेंगे, ठीक है ना। ये डन है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर क्या है, बोलते हैं दृष्टि केयर इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू रिलेट दृष्टि केयर विजन रादर देन इट्स मिशन स्टेटमेंट। मतलब कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट दृष्टि के विजन के बारे में बताता है। इट प्लेसेस पेशेंट केयर बिफोर ऑल एल्स, इट विल बी ग्लोबल लीडर इन कटिंग एज आई सर्जरी, इट ऑफर्स द हाइएस्ट लेवल ऑफ पेशेंट केयर थ्रू आउट द कंट्री, कंसल्टेंट स्ट्राइव टू कंटिन्यूअसली इम्प्रूव सर्जिकल टेक्निक्स। देखो हम कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करेंगे सर्जिकल टेक्निक्स को, ये तो हमारा मिशन स्टेटमेंट में आना चाहिए। इट ऑफर्स हाइएस्ट लेवल ऑफ पेशेंट केयर थ्रू आउट द कंट्री, ये भी हम मिशन में डाल सकते हैं, ठीक है ना, कि हम हमारा प्रेजेंट फोकस इस पे है। इट प्लेसेस पेशेंट केयर बिफोर ऑल एल्स, ये भी क्या है कि हम पेशेंट की ज्यादा क्या, मतलब ये ऐसा नहीं कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये करते हैं, हम ये बनना नहीं चाहते, हम ये करते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। हम हाईएस्ट लेवल का पेशेंट केयर ऑफर ऑलरेडी करते हैं, हम ये बनना नहीं चाहते, हम ये करते हैं, हम ये अभी कर रहे हैं। हम क्या बनना चाहते हैं, वेर वी वॉन्ट टू गो, वी वॉन्ट टू बी द ग्लोबल लीडर इन कटिंग एज आई सर्जरी। बोलते हैं हम क्या बनना चाहते हैं, ये बताता है विजन, वेर वी वॉन्ट टू गो। ये आपको समझ में आ रही बात है, क्या बोल रहा हूँ, हम क्या बनना चाहते हैं सर, ठीक है, वो बताता है विजन के बारे में। नेक्स्ट बोलते हैं ए लिमिटेड हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ न्यू आई टी सिस्टम टू इम्प्रूव द एफिशियंसी ऑफ पेरोल फंक्शन। पेरोल मतलब क्या, वो एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने का फंक्शन। वो मैंने एग्जाम्पल एक होता है एक रेजर पे एक्स करके, मैं बताऊंगा चलो बाद में आपको क्लासेस में, ये छोड़िए वापस आइए। ए लिमिटेड बिलीव दैट दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रनिंग द पेरोल सिस्टम बाई 20%, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी इज द अबव आई टी सिस्टम मोस्ट क्लोजली लिंक टू। तो हम एक नया आईटी सिस्टम लगाने के बारे में सोच रहे हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी पेरोल फंक्शन की। तो कौन से लेवल की बात चल रही है, क्या ये चीज़ कॉर्पोरेट लेवल वाले सोचेंगे क्या, भैया ये काम किसका है, फंक्शन लेवल वालों का है, कि हमको हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको अब कैसे एफिशिएंटली चलाना है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन लेवल की बात है, आईटी फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं काम, ये फंक्शन लेवल का काम है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलते हैं जयपुर मार्ट इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर राजस्थान कम एंड सेल देयर गुड्स इज चार्जिंग जीरो कमीशन फॉर लिस्टिंग गुड्स, बट दे टेक 1% ऑफ सेल्स पर मंथ फ्रॉम द सेलर, इट इज डिफाइंड एज। तो जयपुर मार्ट क्या है, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। तुम इसमें सब अलग अलग, जैसे अमेजोन, इस पर कोई भी व्यक्ति जाके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है, लेकिन जैसे ही सेल होगा तो सेल होने पर तुमसे पैसा कमाएंगे वो। अमेजोन वाले तो ज़्यादा पैसा लेते हैं, 30% के आसपास, 30-40% ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1% ले रहा है तुम्हारे सेल्स का। क्या है ये पैसे कमाने का तरीका, क्या हो जाएगा बिजनेस मॉडल है ये इनका। तो 10 का आंसर डी हो जाएगा। एंड फाइनली मुझे बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रो एक्टिव अप्रोच। कम ऑन,
प्लान स्ट्रेटजी बनाना ये तो प्रोएक्टिव में आता है, डेलिबरेट मैनेजमेंट डिजाइन डेलिबरेटली खुद से कर रहे हैं पहले से तो ये प्लान में आएगा, प्रोएक्टिव में आएगा। फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन, हम खुद से होकर फोरकास्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, पहले से खुद से एनालाइज कर रहे हैं, प्रोएक्टिव रहना है। लेकिन अडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, ये रिएक्टिव होना बोलते हैं। क्या डन है? आरटीपी के एमसीक्यू खत्म, डन है बात, आरटीपी के एमसीक्यू खत्म। आगे बढ़े नेक्स्ट, आइए सेट टू करेंगे। टोटल तीन सेट है, अभी दूसरे सेट पर आ गए। चलिए दूसरे सेट में कितने सवाल है टोटल? अराउंड 19 एमसीक्यू। चलिए बेटा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस आपके ऐसे होते रहेगी, ठीक है ना। आइए इधर बोलते हैं, विच ऑफ दीज बेसिक क्वेश्चन शुड अ विजन स्टेटमेंट शुड आंसर। चलिए तो विजन स्टेटमेंट क्या आंसर करता है बताइए। तो व्हाट इज आवर बिजनेस, ये तो मिशन बताएगा। हु आर आवर कॉम्पिटिटर्स, ये भी लगभग मिशन स्टेटमेंट बताएगा। या मिशन स्टेटमेंट वैसे कॉम्पिटिटर की बात उतनी करता नहीं है, ठीक है ना। व्हाई डू वी एग्जिस्ट, ये इंटेंट बताता है, पर्पस के बारे में, ठीक है ना। एंड वेयर वी आर टू गो, है ना, या वेयर वी वॉन्ट टू गो। तो इसका आंसर सी होना चाहिए बेटा, हमारे कंपाइलर में इसका आंसर ए दिया है, तो इसको आंसर को अपडेट कर लेना, ठीक है ना। तो अपडेट आंसर, कंपाइलर में आंसर को अपडेट कर लेना, कंपाइलर में शायद ए दिया, उसको सी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन डैश अनरेवलिंग। याद है अनरेवलिंग मतलब क्या, क्या बताइए, धागे खोल देना है, समझ में आ रही बात है, मतलब कि चीज़ों को सॉल्व कर देना है ऐसा। तो कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है उसको समझने में हमें हेल्प करेगा ये, करेक्ट। इसमें हमने वो यूपीआई का एग्जांपल लिया था क्लासेस में। आगे देन रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, यस। रिलेट द गोल्स विद द रिसोर्सेज, यस। आंसर क्या है? आंसर ऑल द अबव, ये भी, ये सब मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट के पूछे सवाल ही हैं, ठीक है ना। तो सर के ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही सारे आएंगे क्या? तो ऐसे आ सकते हैं, जैसे ये वाले सवाल आ सकते हैं, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जैसे हमने ये किया, ये बहुत अच्छा सवाल था ये वाला, फिर ये वाला दृष्टि केयर वाला, ये बहुत अच्छा सवाल था। तो इस प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो कुछ डायरेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार के भी होंगे। आगे मिशन क्या होता है बताइए, और केस स्टडी बेस्ड होंगे जो हमने कंपाइलर के एंड में दिए हैं। तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में तभी आपको करवा पाऊंगा, फुल फ्लेश्ड जो केस स्टडी होती है, जब हमारे सारे चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ केस स्टडी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर आइए, तो मिशन स्टेटमेंट इज व्हाट, कम ऑन जल्दी बताइए। इट इज एन इंटरनली फोकस्ड डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटल गोल्स, स्टेटमेंट ऑफ फर्म्स यूनिक पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, डज नॉट रिलेट टू इंडस्ट्री डेवलप्ड बाय फर्म बिफोर इट डेवलप्स। स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनाने के बाद बनाते ना, ज्यादा करेक्ट तो यहाँ पे बी लग रहा है मुझे। मुझे ज़्यादा करेक्ट यहाँ पे बी लग रहा है, इंस्टीट्यूट ने आंसर ए दिया है। को अपडेट कर लो बेटा, ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर प्लीज अपडेट कर लीजिए। एक्चुअली हमने आंसर जो है ना सारे स्टडी आपके आईसीए के हिसाब से दिया है, पर इसका ज़्यादा करेक्ट क्या है? इसका ज़्यादा करेक्ट है बेटा बी। बेटा इंटरनली फोकस डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटल गोल्स, क्या है इसका मतलब? इस ये थोड़ी मिशन होता है, मिशन क्या बताएगा? ये बताएगा तुम्हारे यूनिक पर्पज़ के बारे में, याद है वाई शुड ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, क्या होता है इसमें बताइए? टू स्पेसिफाई द पर्पस, है ना, हमारे स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, कि हम क्या काम करते हैं, हम किस बिजनेस में हैं, हमारे एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है, तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन के बारे में बताएगा, है ना, हमारी बाउंड्रीज के बारे में बताएगा कि हम किस प्रकार का काम करते हैं। तो ज़्यादा करेक्ट क्या है इसमें? बी वाला ज़्यादा करेक्ट है, समझे। आगे बताइए ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, कौन ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? बोलते हैं ये कॉन्क्रीट स्पेसिफिक होने चाहिए, करेक्ट। रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, अरे तीनों चीज़ होनी चाहिए, आंसर है डी, ठीक है। इसको प्लीज अपडेट करना बेटा, आंसर क्वेश्चन थ्री का, क्वेश्चन वन का, ठीक है ना, कंपाइलर में अपडेट करना है। हाँ एग्जाम में भी आया तो सही सही वाला करना है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर डी है, ठीक है। अब बेटा बता रहा हूँ मैं क्या है, चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल
फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटजीज। हाँ, ये मैंने आपको बताया था। ऐसा सिमिलर सवाल बेटा ऐसे आपके स्टडी मटेरियल में भी है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है बेटा बात, हम ना एफएलएम के पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि एफएलएम से आइडिया लेके, एफएलएम से इंपॉर्टेंट आइडियाज लेके सीएलएम बीएलएम क्या करते हैं, रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ऐसा एक लाइन पढ़ते हैं। पर यहाँ पे जनरल वे में पूछा है कि किसका काम है रियलिस्टिक अटेनेबल स्ट्रेटजी बनाना, बोले सबका ही काम है। कॉर्पोरेट लेवल वाले बनाएंगे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस लेवल वाले अपने खुद के इंडिविजुअल बिजनेस के लिए बनाएंगे, फंक्शन लेवल वाले अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जनरल वे में सवाल पूछा है, इसलिए आंसर डी है, ठीक है। आगे बोलते हैं विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक इंटेंट, तो बहुत चिल्टू है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे विजन मिशन, बिजनेस लेवल पे बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल, फंक्शन लेवल पे गोल्स ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये कोई प्रकार का नहीं होता है ना। दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इंटेंट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सर्च्ड फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट्स अ न्यू एंटरप्राइजेस टू मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी कॉल्ड एज। तो जो नए अपॉर्चुनिटी के बारे में, नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, बिजनेस को चालू करता है, कौन होता है वो, होता है एंटरप्रेन्योर, है ना, कौन होता है एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, अब ये वैसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ठीक है, सवाल पूछा था पहले एक बार 2019 में, ओल्ड सिलेबस में था, तो कर लो ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पर कर लो। आगे, अब एसएम अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर व्हाट, अथॉरिटेटिव पार्टिसिपेटिव कमांडिंग या प्रोएक्टिव है। तो चिल्टू सवाल है, हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। नेक्स्ट, हाँ ये देखो, मेंबर्स ऑफ इन्फिनिट केयर, ये एक एनजीओ है, दे हैव मेट एंड डिटरमाइंड दैट दे नीड टू फॉर मैरिट एंड फिलोसॉफिकल बिजनेस फॉर देयर एक्टिविटीज। मतलब उनको ये डिफाइन करना जरूरी है, तो देयर बाय दे हैव कम अप विद अ स्टेटमेंट, उनको एक विजन या मिशन कुछ बनाना जरूरी है, क्या है आपको बताना है। तो इनका, इन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया है अपने लिए, एक इन्होंने स्टेटमेंट बनाया अपने लिए, राइट, प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते हैं टू प्रोवाइड चिल्ड्रन टिल एज 12 लिविंग इन होमलेस और लो इनकम सिचुएशन विद द एसेंशियल आइटम्स दे नीड टू थ्राइव एट होम एट स्कूल और एट प्ले। ये हमारे बिजनेस के किस चीज़ के बारे में बता रहा है, क्या ये विजन के बारे में बता रहा है, बिजनेस डेफिनेशन गोल्स ऑब्जेक्टिव की मिशन के बारे में बता रहा है, तो हम क्या बनना चाहते हैं वो बता रहे हैं क्या यहाँ पे, नहीं। तो ये विजन तो नहीं है, क्या ये बिजनेस डेफिनेशन है हमारा, बिजनेस डेफिनेशन है क्या हमारा ये, नहीं। बिजनेस डेफिनेशन में हम ऐसा अलग से एक्चुअली स्टेटमेंट बनाते नहीं है, मतलब बिजनेस डेफिनेशन में तो हम बताते हैं बस हमारा कस्टमर फोकस वगैरह क्या है, ठीक है ना। क्या ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है, नहीं। तो ज्यादा करेक्ट क्या है यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर होना चाहिए डी, दैट इज मिशन है हमारा, ये हमारा मिशन है। तो ज्यादा करेक्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, 9 में आंसर क्या है, डी, ठीक है ना। ये ऐसी चीज नहीं है जो हम करना चाह हम मतलब हम जो बनना चाहते हैं, विजन तो नहीं है बिल्कुल भी, ये क्या है, मिशन है, ये प्रेजेंट एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं हमारे, समझे बात। हेलो कम ऑन जल्दी बताएंगे, क्या क्लियर है यहाँ तक, जल्दी बताएं, कम ऑन फास्ट, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगली बात, कम ऑन गाइस। बोलते हैं डी डी लिमिटेड, डी लिमिटेड इज एन इंटरनेशनल क्लोथिंग रिटेलर, द कंपनी इज मेकिंग फॉलोइंग डिसीजन, शुड अनदर रेंज ऑफ शॉप्स बी एस्टैब्लिश्ड, शुड द कंपनी फ्लोट मोर शेयर कैपिटल, हाउ विल द प्रीमाइसेस बी फिटेड आउट फॉर न्यू रेंज ऑफ शॉप्स। इसमें से कॉर्पोरेट लेवल वाले मैनेजर कौन सा डिसीजन लेंगे, क्वेश्चन 10 का जवाब दीजिए मुझे। तो हमें क्या नए प्रकार के शॉप चालू करने चाहिए, यस, ये सीएलएम का काम है, ये बताना, अब ये डिसाइड करना, ये सीएलएम का काम है, बिल्कुल सही। शुड द कंपनी फ्लोट मोर शेयर कैपिटल, क्या और पैसा रेज करने की जरूरत है क्या, ये भी रिसोर्सेस की बातें कौन करता है, कॉर्पोरेट लेवल वाले। लेकिन हमें हमारे प्रीमाइसेस को कैसे फिट करना है, मतलब हमारे प्रीमाइसेस का डिजाइन कैसा होना चाहिए, मतलब कौन से बिजनेस में जाने बेटा वो कौन बताएगा, कॉर्पोरेट वाला। लेकिन अब वो बिजनेस में अब शॉप का डिजाइन कैसा होना चाहिए ये थोड़ी बताएंगे,
तो ये कॉर्पोरेट लेवल वाले नहीं बताएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? वन एंड टू ज्यादा सही है, ठीक है, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। स्ट्रैटेजी हमेशा प्रैग्मेटिक है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, बोल रहे हैं गलत है बात, बोलते इट इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट फ्लॉलेस ऑप्टिमल, तो बिल्कुल सही बात है, इज ऑलवेज परफेक्ट गलत, ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट प्रैग्मेटिक गलत है, प्रैग्मेटिक भी होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल बिजनेस वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं। द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ SM, याद करो मैंने लिखवाया है बेटा क्लास में, कम ऑन, व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ SM? स्ट्रैटेजिक इंटेंट होता है फिलोसॉफिकल बेस ऑफ SM, याद करो। देखो मैंने MCQ पॉइंट भी लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ SM। मुझे बताएं क्या बेटा जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, मतलब ये हद होगी, इतना लेवल का प्रैक्टिस कहीं पे भी नहीं हो रहा, हम कुछ अलग ही लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब अभी आगे बढ़े। अभी बोलते हैं माबा लिमिटेड हैड ए ह्यूज कैपेसिटी ऑफ 40,000 किलो लीटर्स प्रोडक्शन ऑफ केरोसिन ऑयल एंड दे वर एबल टू अचीव 90% ऑफ इट ऑलमोस्ट ऑलवेज, वेल द टीम्स वर ऑल्सो अवेयर दैट दे कैन अचीव 100% कैपेसिटी विद वेरी लेस एफर्ट बट ऑलवेज केप्ट मार्जिन्स। फर्दर बिजनेस टीम्स वॉज प्लानिंग टू सेटअप टू मोर प्लांट्स ऑफ 20,000 किलो लीटर कैपेसिटी फॉर द नेक्स्ट 5 years। दिस वॉज अ वेलकम मूव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल। फ्रॉम द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मिसिंग बाय द प्रोडक्शन टीम। अरे भाई साहब, तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं पर कौन सी चीज इसमें क्लियर नहीं है। अरे 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 भाई साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है, एकदम है, बहुत ही खतरनाक सवाल हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, बोलते हैं इसकी यूज कैपेसिटी है 40,000 किलो लीटर की, वो ऑलरेडी 90% तो ऑलरेडी अचीव कर रहे थे, 90% तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमेशा अचीव कर ही लेते हैं, मतलब कि कैपेसिटी है 40,000 किलो बनाने की, पर ये क्या बताइए, ये हमेशा 36,000 किलो तो हर साल बनाते ही है, इतना तो बना ही लेते हैं भाई हमेशा। वाइल द टीम्स वर ऑल्सो अवेयर दैट दे कैन अचीव 100, अगर उन्होंने और मेहनत किया ना तो 100% कैपेसिटी भी अचीव हो सकती है। फर्दर द बिजनेस टीम वॉज प्लानिंग टू सेटअप टू मोर प्लांट्स और 20,000 किलो लीटर कैपेसिटी ईच इन द नेक्स्ट 5 years। दिस वॉज अ वेलकम्ड मूव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। कौन सा एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मिसिंग बाय प्रोडक्शन टीम, क्या है बताओ, बताइए। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड जस्टिफाइबल, ये प्रॉब्लम है क्या, नहीं। इट शुड बी कंसाइज, नहीं। इट शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंपेरेटिव अप्रेजल, यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या बोल रहे बताओ, चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या है बताइए। चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव मतलब कि यार तुम 40,000 किलोलीटर तो ऑलरेडी बनाते हो और तुम इसमें 90% तो ऑलरेडी तुम अचीव कर ही रहे हो, तो तुम फिर 20,000 की दो क्यों बना रहे, तुम और ज़्यादा बड़ी बनाओ ना, तुमको 40,000 तो बनाना आता ही ऑलरेडी, और इसमें भी तुम 90,000 ही सिर्फ बना रहे हो, 90% ही तुम 90% ही कंप्लीट कर रहे हो, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अब क्या होना चाहिए, कि तुम 40,000 नहीं, अब तुम और ज़्यादा बनाओ, थोड़ा चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव दोगे तो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न्ड विद व्हाट, कम ऑन, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न विद व्हाट, जल्दी बताइए, कम ऑन गाइस, जवाब देंगे। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न्ड विद व्हाट, दे आर कंसर्न्ड विद, कम ऑन, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए करते गए, नहीं, स्पैन मल्टीपल बिजनेस, ये तो CLM का काम है, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंट्री, नहीं, अरे अच्छा सॉरी बराबर है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशंस ऑफ स्पेसिफिक, हाँ ये बराबर है, ऑप्शन ए आंसर बराबर है, मतलब स्पेसिफिक बिजनेस के ऑपरेशंस से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बिल्कुल सही है, तो 14 का आंसर होना चाहिए, इसका आंसर अपडेट कर देना बेटा, आपके कंपाइलर में सी दिया है, प्लीज अपडेट कर दीजिए, आंसर ए होना चाहिए।
यस प्लीज इसे अपडेट करना, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट अगला देखें, टोटल 19 है इसमें, फिर अपना लास्ट सेट चालू होगा, फिर सेट थ्री, सेट थ्री में 17 MCQ। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। अब ना बेटा इस बार तो इतनी खतरनाक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अब कोई बोल ही नहीं सकता। मैंने तुमको डिटेल में भी करवाया, एग्जाम्पल भी दिया, हैंड रिटन नोट्स भी लिखवाए, रिवीजन भी करवाया क्लास में मल्टीपल बार, रिवीजन वीडियो भी डाल दिया, अब कंपाइलर भी करवा दिया, अब तुम बोल ही नहीं सकते। अब कुछ बचा ही नहीं ना बेटा जिंदगी में, अब मैं और इससे ज्यादा अब क्या करूं। अब आखिरी ये बचा है कि बस आपका एग्जाम देने मैं चला जाऊं, बस अब ये बचा है एसएम में। बोलते द स्टेटमेंट वेयर वी वॉन्ट टू गो डिनोट्स द कंपनीज, क्या बताइए, विजन बताता है क्या, चिल्टू बात है यहाँ पे। प्लीज अपडेट करें आंसर को बेटा, अपडेट आंसर इन योर कंपाइलर, शायद ए दिया है कंपाइलर में, प्लीज ठीक करो, उसको डी होना चाहिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं बीबीएल बैंक हैज स्ट्रेटेजिकली डिसाइडेड टू सेटअप अ सेपरेट ऑफिस इन मुंबई बैक इन 2016, स्पेसिफिकली इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज एंड इन डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट ब्लॉकचेन फैसिलिटीज, विच इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिड बीबीएल बैंक मेड यूज ऑफ, है ना। तो इन्होंने क्या किया, डिसाइडेड टू सेटअप अ सेपरेट ऑफिस इन मुंबई 2016 में, इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में बराबर पैसा इन्वेस्ट किया एंड डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट ब्लॉकचेन फैसिलिटीज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले से ही, सोचो बेटा 2016 में जब क्रिप्टो करेंसी उतना बड़ा नहीं हुआ था, उस समय से उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाल इन्वेस्ट करके रखा है। उस समय से वो ब्लॉकचेन फैसिलिटीज जो कि पहले उतना ज्यादा फेमस नहीं था, धीरे धीरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को यूज कर रहे थे और अब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है लोगों को, तो बिजनेस में काफी हेल्प करता है हमें, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये आपको हेल्प करती है, इसमें रिकॉर्ड्स वगैरह सब मेंटेन होते हैं, सब ऑनलाइन ऑटोमेटिकली है सर। तो मुझे बताइए ये क्या बता रहा है बीबीएल बैंक के बारे में, कि ये ज्यादा प्रोएक्टिव है, ये सब चीजें फेमस होने के बहुत पहले से इन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, तो ये दिखा रहा है कि ये ज्यादा प्रोएक्टिव है देन रिएक्टिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, हु वी आर एंड वॉट वी डू, चिल्टू यार 17 का आंसर क्या है, ए है, आसान है। आगे MTB October 23 का सवाल है, देखिए, मिस्टर प्रकाश एंड पाल आर पार्टनर्स इन थ्राइविंग बिजनेस वेंचर, रिसेंटली दे हैव बिकम अवेयर ऑफ दैट एम्प्लॉयज डिससेटिस्फेक्शन विद देयर वर्किंग कंडीशन, मिस्टर प्रकाश बिलीव्स दैट सिचुएशन शुड बी डेल्ट विद बिफोर द एम्प्लॉयज एक्सप्लोड, मतलब एम्प्लॉयज हम पे भड़के उसके पहले क्या बताओ, एम्प्लॉयज बेटा तुम पे भड़के उसके पहले तुम क्या, पहले उस संभाल लो। मिस्टर पाल ऑन द अदर हैंड है ना बिलीव दैट इफ द एम्प्लॉयज हैव आउटबर्स्ट देन दे विल हैंडल इट, अच्छा वो दोनों की हरकतें बता रहे। बोलते प्रकाश क्या बोलता है कि गड़बड़ होने मत दो, जैसे बेटा गड़बड़ होने मत दो, एम्प्लॉयज के साथ गड़बड़ मत होने दो, पहले ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दो। मिस्टर पाल क्या बोलते हैं, काय को टाइम पास करते, बोले जब कुछ प्रॉब्लम होगा ना तब देखेंगे, मतलब मिस्टर मिस्टर पाल क्या है बेटा, मिस्टर पाल है रिएक्टिव, ये रिया है और ये क्या है, ये प्रोइया है। मिस्टर प्रकाश क्या है, प्रोएक्टिव, और पाल क्या है, रिएक्टिव, तो आंसर क्या है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, तो डी होना चाहिए आंसर। तो 18 का आंसर है डी, कि हमारे प्रकाश जी क्या है, आपको रिस्पेक्टिवली बताना, ठीक है। प्रकाश क्या है, प्रकाश प्रकाश है प्रोएक्टिव और पाल क्या है, रिएक्टिव, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, फाइनली आखिरी सवाल, व्हाट इज वन ऑफ द की पर्पस ऑफ हैविंग अ मिशन, पुट बीएमडब्ल्यू इन फोकस, तो शॉर्ट टर्म गोल बनाने के लिए गलत, बेसिस फॉर मार्केटिंग गलत, स्पेसिफिक फाइनेंशियल फोरकास्ट गलत, आंसर क्या है, एंश्योरिंग यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस है ना, पुट बीएमडब्ल्यू फोकस, उसमें ये यू वाला पॉइंट है वो है ये। अब आखिरी चीज यहाँ पे आ जाएंगे, लास्ट सेट है अब हमारा ये, भाई साहब प्लीज इस बात को समझो बेटा, ये सेशन हम ये सेशन बनाने का वो समझिए, क्या बताइए, रैशनल इस सेशन को बनाने का लॉजिक ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने जो कंपल आपको क्वेश्चन बैंक दिया हमारे बैचेस में, तो आपको क्या बताइए, उसमें कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो तुरंत फिर ये वीडियो में जाने का, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सब सीक्वेंस में करवा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आगे जाने का, तो जिसमें प्रॉब्लम है वो कर लो फिर बाद में, तो आपको एग्जाम के समय बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है ना। इधर आइए, स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान यूज
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्वेश्चन कैसे लिखें, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें, तो ये इसलिए उसमें भी हेल्प कर लेगा ये, ठीक है ना। चलिए आइए लास्ट है अभी, जल्दी बताइए। तो स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान टू ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोमा, याद है क्या? टू टेक मार्केट पोजिशन, अट्रैक्ट सेटिस्फाइड कस्टमर, रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड हॉस्टाइल एनवायरमेंट। अब वैसे ये पॉइंट नहीं था उसमें, पर ठीक है वो भी सही है ना। मतलब हमें अगर मार्केट में क्या, हमें टू टेक मार्केट पोजिशन, हमारे कॉम्पिटिटर्स को टू कम्पीट सक्सेसफुली इन द मार्केट, उस पॉइंट से रिलेट करता है टू कम्पीट सक्सेसफुली से, है ना। इसलिए आंसर क्या है, ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए डी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, विच स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले क्या बनाना है हमें बताइए। तो सबसे पहले मतलब वैसे तो बनता है इंटेंट, तो मतलब वो बनाना नहीं पड़ता, इंटेंट हमारा पर्पस है, उस इंटेंट को बनाते नहीं अपन, इंटेंट हमारा पर्पस है, उसके हिसाब से क्या बनाते हैं सबसे पहले अपन, विजन स्टेटमेंट, फिर विजन के हिसाब से, विजन के हिसाब से मिशन, फिर गोल्स, फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है ना। धन्यवाद। तो पहले इंटेंट स्टेटमेंट, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं बनता इंटेंट का, ठीक है ना। तो हमारा पर्पस है, उसके हिसाब से विजन स्टेटमेंट बनाते हैं, और ये सब करते वक्त हमें हमारे वैल्यूज को नहीं भूलना है, याद है ना। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न विद डैश, कम ऑन, यस, ये तो हमने किया था एक्चुअली। स्ट्रैटेजी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस, इसमें लिख दो रिपीट, पहले भी मैंने एक बार करवाया आपको। अब देखो भाई, मैंने आपको बोला कि सब यूनिक है, पर यार प्लीज इस बात को समझो, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने रिपीटेशन हटाए हैं सारे। अब एक एक हाथ मतलब दो तीन ऐसा हो सकते हैं यार, मतलब ठीक है ना। अब इतना एकदम दिल पे मत लो यार तुम। चलिए बोलते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड दर इम्प्लीमेंटेशन इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय डैश, तो फॉर्मुलेशन भी लिख दिया, इम्प्लीमेंटेशन भी लिख दिया, दोनों ही लिख दिया अभी, मतलब ओवरऑल वे में ही सवाल पूछ रहा है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। क्या आगे सारी लेवल के मतलब आगे, रिएक्टिव को हम और क्या बोलते हैं, तो बहुत चिल्टू सवाल है। हम प्रोएक्टिव को प्लान बोलते हैं, रिएक्टिव को अडेप्टिव स्ट्रेटजी बोलते हैं, ये भी क्लास में मैंने लिखवाया था आपको वैसे। कंचन, कंचन इज द फाइनेंस हेड फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ अ कंपनी, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज शी वर्किंग एट, बताइए। शी इज वर्किंग एट द फंक्शनल लेवल, शी इज वर्किंग एट व्हाट, ये फाइनेंस हेड है ना, तो फंक्शनल डिपार्टमेंट की हेड है, तो फंक्शनल लेवल पे काम कर रही है। कौन से केस में फॉर्मेटिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस दैट अनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, बताइए किस में कवर होता है चीजें। मतलब बेटा ये जनरल डेफिनेशन में आता है एसएम के, ना, टू क्रिएट, चूज, इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज एंड देन इवैल्यूएट द स्ट्रेटजीज, टेक करेक्टिव एडजस्टमेंट्स, तो एसएमके, ये एसएमके डेफिनेशन में पढ़ते अपन। मैकडॉनल्ड्स इज डिसाइडिंग वेदर टू एक्सपांड इनटू मैन्युफैक्चरिंग किचन इक्विपमेंट इन चाइना, ये लेवल, ये डिसीजन कौन से लेवल पे लेना पड़ेगा हमें, क्या हमें एक्सपांशन करना चाहिए या नहीं, कौन से बिजनेस में जाना है किसमें नहीं, कॉर्पोरेट लेवल का डिसीजन है ये। श्रेया द ओनर ऑफ कलाकारी बुटीक्स डेलीगेटेड टास्क एज पर द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ टीम, व्हाट इज शी कवरिंग हियर, बोलते हैं तुम्हें हमारे अपने बिजनेस में तुम्हारे कॉम्पिटेंसीज, तुम्हारे अबिलिटीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बताता है, मिशन स्टेटमेंट, तो मिशन स्टेटमेंट का प्रॉपर यूज किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। मिशन स्टेटमेंट का क्या किया जा रहा है यहाँ पे, प्रॉपर यूज़ की, मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे टीम के कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से उनको टास्क डेलीगेट कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा क्रेडिट क्या है डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर्स रोल इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट स्ट्रेटजीज इन टू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज ऑफ देयर इंडिविजुअल बिजनेस, ऑफ देयर इंडिविजुअल बिजनेस लिखा है। अब ये क्या है, अगर लिखा रहता ऑफ देयर स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस, तो आंसर फंक्शनल मैनेजर होता। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ये सवाल जो है ना स्टडी मॉडल में भी दिया है, यहाँ पे आंसर दिया है बी,
पर एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए इसका, एक्चुअल में आंसर होना चाहिए आपका बिजनेस लेवल मैनेजर, ये BLM का काम होता है। ये तो जनरल स्टेटमेंट्स टॉप लेवल से आ रहे हैं ना, उसको कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना है उनके इंडिविजुअल बिजनेस के लिए, तो इसका BLM का काम होता है ये, इसको ठीक कर लेना। इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही दिया है, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मॉडल में भी ऐसे ही दिया, तो अगर ऐसे ही सवाल आया सर तो फिर अब टिक मार लेना बी को, पर लॉजिकली आंसर वैसे क्या होना चाहिए, बिजनेस लेवल मैनेजर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, SM enables the organization to क्या बताइए, to dash instead of companies just responding to threats in their business environment, बताइए। तो हमको क्या रहना सिखाता है SM, हमको ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना सिखाता है ना, instead of just reacting। आगे, imagine you are a part of strategic planning team for a company, as you work on defining the company's identity and its current business scope, which of the following elements primarily concentrate on answering questions, who we are and what we do। पूरा टाइम पास करवा दिया, काम की बात क्या थी बताओ, कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है, तो बात है विशेष स्टेटमेंट बताता है ये चीज। आगे, तो भी बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर सच इन इफेक्टिवनेस, अच्छा इसके बारे में बताना चाहो, पढ़ लो ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जब स्ट्रेटजी प्लानिंग कर रहा था, इट एनविसाज मतलब एनालाइज द एंटायर सिचुएशन एंड क्रिएटेड अ स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क, मतलब एक डिजाइन प्लान बना लिया, बट इन द मीन टाइम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इट रियलाइज दैट इट्स फ्रेमवर्क इज नॉट इफेक्टिव एंड सर्टन यूनिक अनप्लान सिचुएशंस अराइज। ऐसा क्यों हो रहा है, बोले हमने स्ट्रेटजी जब फॉर्मेट कर ली ना, हमने पहले स्ट्रेटजी बना ली, पर जब उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का की बारी आई ना, तो पता चला हमने जो है कुछ सिचुएशन को कवर ही नहीं किया था इसमें। ऐसा क्यों बताइए, क्योंकि बेटा ऐसा ही एक्चुअल में भी होता है, आप सारी चीज़ों को पहले से थोड़ी ना फोरकास्ट कर पाएंगे, तो आप पहले इसने स्ट्रेटजी बनाया वो था बींग प्रोएक्टिव, लेकिन अब एनवायरमेंट भी तो मे भी तो कुछ अनप्लान्ड सिचुएशंस आ सकते हैं, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से तुम्हें स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब ये एक्चुअल में ये चीज़ बता रहा है कि स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, आप पूरी ही स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव नहीं बना सकते कभी, अपन प्रोएक्टिव रह के कुछ चीज़ें तो करेंगे, लेकिन अब एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस होंगे उसके हिसाब से भी कुछ करना पड़ेगा ना बाद में। ये बता रहा है ये चीज़ की क्या, कि रिएक्टिव स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है एनवायरमेंट के हिसाब से, तो ये चीज़ को दर्शा रहा है वो बस। आगे, नेक्स्ट, आपको ये तीन स्टेटमेंट पढ़ने हैं और फिर क्या बताना है, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा बताना है। ठीक है, स्ट्रेटजी का शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशन होता है गलत, ये लॉन्ग रेंज होता है, इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। ये एक्शन ओरिएंटेड होता है क्या, यस। ये रिजिडली डिफाइंड होता है, नहीं, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो करेक्ट सी क्या कौन सा बताओ, आई तो टू वाला तो करेक्ट ही है, अपर इसमें से दो चुनने ही बोले तो ठीक है, तो अपन यहाँ पे थ्री वाला तो बोले बिल्कुल ही गलत है, तो वन एंड टू को चुन सकते हैं अपन, कि ठीक है इसका शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा अफेक्ट तो पड़ेगा इस स्ट्रेटेजी का, है ना, ये बनती है लॉन्ग टर्म के लिए, पर शॉर्ट टर्म में भी ये अफेक्ट तो करेगा ही, ठीक है, तो इसलिए अब अगर दो चुनना ही है तो फिर वन एंड टू चुनेंगे, एक ही चुनना रहता तो मैं सिर्फ टू वाला स्टेटमेंट चुनता, ठीक है ना, तो आंसर है ए। नेक्स्ट, बस थोड़ा सा बचा है, 17 MCQ अभी। मिस्टर पारेख कौन से लेवल का है वो बताना है, ठीक है ना, तो मिस्टर पारेख अपने फ्रेंड को बता रहा कि बोले हम मुझे ना बहुत कॉशियसली सोचना पड़ता है, मेरे डिसीजंस का पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसका असर पड़ता है, लार्ज कमिटमेंट रिसोर्सेज, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, वैसे मैंने करवाया था आपको ये, तो मिस्टर पारेख कौन से लेवल का है बताओ, ये कॉर्पोरेट लेवल का है, टॉप लेवल का है, ठीक है ना, तो आंसर क्या है, सी, 15 का आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, बस दो सवाल बचे हैं, अरे भाई साहब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट अभी हम पढ़ेंगे कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है, बट चलो पढ़ लो पहले। द फॉलोइंग इज द मैसेज ऑफ अ CEO टू ऑल हिज डिविजनल हेड्स, क्या उसने CEO ने मैसेज क्या किया, बोलते हैं इट इज सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द परसिस्टिंग नीड फॉर डेवलपिंग न्यू विस्टाज ऑफ वर्क दैट ऑफकोर्स इज प्रिसीडेड बाय द अक्यूट नीड ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट इन द अवेयर चेंजिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड। बेटा CEO ऐसे ही करते हैं, ऐसी भारी भारी मैसेज लिख के भेजते हैं लोगों को, है ना, वो उनको खुद को भी समझ में आता कि नहीं मालूम नहीं, ऐसे भारी भारी शब्द ही लिखते CEO वाले एकदम। आगे बढ़े, वी एट क्रॉम लिमिटेड
have identified that embracing to digital technology is where our future lies. We shall all pledge to make this transition a successful choice, which will definitely entail a few organizational changes. क्या बोल रहे हैं? CEO ने लिखा है, क्या बताइए कि हमको ऐसा समझ में आया है कि हमें जो है ना अब डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में. इस चीज़ के बारे में बस वो लिखने के लिए पूरी ये पूरी उसने कथा लिख दी. तो बस इसको इतना बोलना था अपने डिविजनल हेड्स को कि भाई हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी अब यूज़ करना ज़रूरी है बिजनेस में, ठीक है ना. ये जो मैसेज है ये किस चीज़ का मैसेज है मुझे बताइए. क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे हैं. यस, तो क्या ये बिजनेस मिशन बता रहे हैं? ये मिशन नहीं बता रहा एक्चुअली. क्या ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं? अगर ऑब्जेक्टिव होता तो इसमें फिर टाइम पीरियड बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितने समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी तुमको अचीव करनी है, मतलब बनानी है, ठीक है. ये स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टेटमेंट है क्या? नहीं, ऐसा कुछ हम पढ़ते नहीं है. आंसर क्या है याद रखना है. पहला सवाल है ये बिजनेस डेफिनेशन का है सवाल. ये पॉइंट हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा काम कैसा है, ठीक है ना. तो बिजनेस डेफिनेशन स्टेटमेंट ये ज़्यादा लग रहा है, तो टिक करें. एक लौता ऐसा सवाल है बिजनेस डेफिनेशन के ऊपर, राइट. एंड फाइनली आखिरी सवाल देखें. अरे भाई साहब, ओके, तो आपको आखिर पहले अपन कंक्लूजन पढ़ लेते कि चाहिए क्या उसको. तो चाहिए क्या? इंडिकेट द अप्रोप्रिएट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजीज पर्टेनिंग टू द ITES स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड एंश्योर अ स्मूथ इम्प्लांटेशन. मतलब बेटा ये आप घर पे पढ़ेंगे, ये आप घर पे पढ़ो. पॉइंट क्या है? बोले कि जो बिजनेस लेवल वालों ने स्ट्रेटजी बनाई ना, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है बताओ. आंसर क्या है? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर क्या है बताओ. फंक्शनल लेवल वालों का काम है ये. तो ये आप घर पे पढ़े, मजे करो बेटा घर पे पढ़ के. आंसर क्या है बताओ? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स. यहाँ पे हमारा पूरा कंपाइलर SM चैप्टर का खत्म होता है, ठीक है ना. आई होप कि आपको मजा आया होगा. प्लीज़ हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसको स्कैन करें या तो टेलीग्राम में सर्च करना, हमारा चैनल मिल जाएगा. इसमें अपडेट्स आते रहेंगे हमारे क्लासेस के. अपने फ्रेंड्स को बेटा हमारे क्लासेस के बारे में ज़रूर बताइए कि वो एनरोल कर सकते हैं ultimatesea.com में जाके. हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस भी अवेलेबल हैं, रेगुलर बैचेस भी अभी चल रहे हैं हमारे, ठीक है ना. तो उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. आप हमारे ये SM कंपाइलर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ये परचेज कर सकते हैं. इसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर्ड है चैप्टर वाइज, और ये सारी जगहों से हम ये क्वेश्चंस इसमें हमने कवर किए, ठीक है ना. उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा मैं, ठीक है ना. कि आप mvset.in से इसको ले सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन बेटा कैसा लगा है, राइट. एंड प्लीज़ मुझे ज़रूर वीडियो पर कमेंट करें या मुझे मैसेज करें कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है. एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा. तो थैंक यू सो मच. ऐसी हम बाकी सेशंस, बाकी चैप्टर्स के भी आपको डिस्कशन वीडियो हम लेके आएंगे SM कंपाइलर का, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए. एंड FM के लिए जो है मैं ऑलरेडी क्लास में ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कंपाइलर के, तो FM में अलग से ज़रूरत नहीं है. और उसमें अगर करने जाएंगे तो आधी ज़िंदगी उसमें निकल जाएंगी अपनी. तो मैं FM में ऑलरेडी क्लासेस में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कंपाइलर के थ्रू. इसमें हम यहाँ पे अलग से सेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना. सो अगेन थैंक यू. अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है. एंड मिलते हैं दोस्तों अब हमारे क्लासेस में. थैंक्स सो मच. बाय बाय. ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. बाय.